Hello. गुड मॉर्निंग एवरीवन. कैसे हो आप सब लोग? सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया 5 मिनट बिकॉज वाईफाई वाज नॉट वर्किंग सो आई जॉइंड विथ माय मोबाइल डेटा. वीडियो और ऑडियो क्लियर है क्या? एक बार क्विकली बता दो. शायद हो सकता है क्लियर ना हो. ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस. चलो आशी भी बोल रहे हैं. किसी को कोई डाउट? किसी ने हाथ रेस किया है तो डाउट अपन एक बार लेते हैं. फर्स्टली अपन स्टार्ट करते हैं अपने बैच से. आई होप स्क्रीन विजिबल है. ठीक है. सो अबाउट द बैच मैं फटाफट से कुछ 5-6 पॉइंट पे डिस्कस कर लेता हूँ. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड देन वी विल स्टार्ट ऑफ विथ आवर रेगुलर शेड्यूल. तो मेन अपने बैच के बारे में तुम लोगों को सबको पता ही है ऑलरेडी. तो टाइमिंग विल बी 7 to 9:30 अपना टाइम रहेगा. इन सैटरडे ऑन सैटरडेज एंड संडेज इट माइट स्ट्रेच टू 10-10:30. ठीक है. सैटरडे संडेज को थोड़ा इलॉन्गेटेड बैचेस रहेंगे एंड वीकेंड में सो डेट वी कैन कम्पेंसेट फॉर अ डे ऑफ ऑन वीकेंड ऑन वीकडेज. वीकडेज में अपना एक गैप डे एक शेड्यूल जो मैंने तुम लोग को प्रोवाइड किया हुआ है, जो मैंने ग्रुप में भी डाला हुआ है, तो वो शेड्यूल में तुमको दिखेगा कि एक दिन का गैप है रिवीजन के लिए एंड ऑल्सो फॉर टेस्ट ऑल्सो 1 more day इज प्रोवाइडेड सो डेट वी विल गिव टेस्ट. सो टेस्ट और वो गैप के लिए वी कैन हैव सम इलॉन्गेटेड सेशंस ऑन सैटरडेज एंड संडेज. इसके अलावा अपना बैकअप तुमको अगर किसी बहुत लोग का मेरे को बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन यही था कि क्या बैकअप रहेंगे क्या? यस, बैकअप विल बी देयर. यू कैन एक्सेस टू द बैकअप सेम डे लेक्चर के बाद तुमको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. बैकअप के लिए तुमको मेल आएगा फॉर ईच लेक्चर तुमको मेल आ जाएगा. डाउट्स के लिए यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम डायरेक्टली. आई एम ऑलवेज देयर. एंड फॉर टेस्ट एज यू माइट बी अवेयर एवरी ट्यूजडे वी आर हैविंग टेस्ट. सो जस्ट एंश्योर कि हाँ वी आर गोइंग थ्रू द शेड्यूल एंड वी आर रिवाइजिंग डेली एंड वी आर ऑल्सो राइटिंग एंड प्रैक्टिसिंग थ्रू टेस्ट. इसके बाद अपन अब सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं एक बार. ये बैच के बाद not much to discuss about batch, already we all know. Subject important now that most of you are for May 24 and many of you are also coming from November 2023, like after giving November 2023 exam. So briefly let's discuss about the subject itself, audit. क्या changes है, क्या नया syllabus में, what all things we have to learn now new and what all things we don't have to learn from November 2023. एक बार quickly अगर मैं overview करूँ last सिलेबस नवंबर 2023 का, तो ये अपने कुछ चैप्टर्स हुए करते थे स्टडी मैट के हिसाब से भी और अपने बुक के हिसाब से भी. दोज हु आर फ्रॉम माय प्रीवियस बैच, तो ये अपना लास्ट स्टडी मैट के कंटेंट है जिसमें से चैप्टर 1 इज यू आर सीइंग जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट है, इसी में सारे स्टैंडर्ड्स दिए थे बट नॉट कॉम्प्रिहेंसिवली, जस्ट एक ओवरव्यू दिया हुआ था. राइट. सो जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का जो ओवरव्यू दिया हुआ था इसके अपन ऊपर डिस्कस करेंगे कि इस पर सेपरेटली 7 चैप्टर्स इन लोगों ने इंसर्ट कर दिए इन द स्टडी मटेरियल इटसेल्फ except barring few standards most of the standards are covered in detail. ठीक है. तो अपन इसके ऊपर अप्रोच डिसाइड करेंगे. अभी जस्ट आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू क्या क्या चेंजेस आए हैं. ऑडिट प्लानिंग एज इट इज है, जैसा था पुराना वैसा का वैसा ही चैप्टर ये भी, दोनों एज इट इज है. ऑडिट प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, इसमें अपना 300 की जो सीरीज होती थी एंड रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल में ये अपन चैप्टर 1 में पढ़ते थे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में. अभी भी सेम एज इट इज ऐसे ही करने वाले अपन. जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग वाला अपना चैप्टर है न्यू मटेरियल में भी उसमें ही अपन कवर करेंगे SA 300 की सीरीज के साथ, प्लस जो एडिशनल टॉपिक्स है जो ये 2 चैप्टर में दिया है उसको अपन एडिशनली और कवर कर लेंगे सो डेट कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा कवर हो जाए. ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, ये चैप्टर के बदले डिजिटल ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर आ गया है. डिजिटल ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर is altogether a new chapter except for few topics which are from this chapter only, but altogether एक new chapter के रूप में ही उसको consider करेंगे अपन. Then company audit हट गया. As you might be aware company audit is removed except CARO and few provision of section 143. LODR is removed now. LODR is not there in our syllabus now. Consolidated financial statement की जो audit है that we will call as group audit. ऑडिट ऑफ बैंक एंड ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, ये दोनों चैप्टर को क्लब कर दिया गया है। ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी को रिमूव कर दिया गया है, फिस्कल ऑडिट को रिमूव कर दिया गया है, पीएसयू ऑडिट इज आल्सो देयर, लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर को प्रोफेशनल एथिक्स में डाल दिया है एंड प्रोफेशनल एथिक्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर में डाल तो दिया है बट लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर का सिर्फ नाम डाला है, नाम डाला है एज इन बस चैप्टर में नाम ऐड कर दिया है एंड प्रोफेशनल एथिक्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर चैप्टर का नाम कर दिया। इफ यू विल गो थ्रू द चैप्टर इन स्टडी मटेरियल सो यू वोंट फाइंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर के टॉपिक्स बट एज सच वी एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम देयर आल्सो। एमसीक्यू एक आता है लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर से तो वहां से आएगा एंड वी विल गो थ्रू दैट चैप्टर आल्सो। इंटरनल ऑडिट में मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट हटा दिया है एंड ये चैप्टर एज इट इज है पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू तुम्हारा हट गया। सो अपन न्यू स्टडी मटेरियल के हिसाब से अगर देखें तो ये अपनी बुक के ये कंटेंट हो जाएगा। चैप्टर वन जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है अभी भी मैंने उसको चैप्टर वन में सारे स्टैंडर्ड्स अपने जो एसए 200 की सीरीज से लेके एसए 700 की सीरीज तक थे वो एज इट इज अभी भी रखी है। इसमें जो एडिशन हुआ है न्यू एडिशन क्या क्या हुआ है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसे 800 की सीरीज ऐड हो गई है तो ऐसे 800 की सीरीज भी इसी में इंक्लूड हो गई है। देन तुम्हारा एसआरई एसआरएस और एसएई, एसआरई एसआरएस और एसएई तुम्हारा चैप्टर 9 चैप्टर 10 और चैप्टर 11 ये तुम्हारा नया न्यू चैप्टर्स है। ये जो इंक्लूड हुआ है ये अपन को एडिशनली कवर करने हैं। इसके अलावा ये दो जो चैप्टर थे ये दो चैप्टर तुम्हारे अभी भी ऑलरेडी एज इट इज है। तो मैं अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारे क्या हो गए स्टैंडर्ड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारे क्या हो गए स्टैंडर्ड्स बोलूंगा मैं इसको। एसआरई ले लो, एसआरएस ले लो, एसएई ले लो और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ले लो। तो एसआरई स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज एंड स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट एंगेजमेंट। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट अपन को पढ़नी है, उसमें एक ऑडिट एंगेजमेंट होते हैं और अदर ऑडिट के अलावा कौन कौन से अश्योरेंस एंगेजमेंट होते हैं वो अपन एसएई भी करेंगे। एसआरई है, एसआरएस है एंड तुम्हारे ये दो चैप्टर जो अपन ने डिस्कस किया था एसए 300 की सीरीज के साथ करने वाले, ये तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हो गए जो भारी भरकम वेटेज रखते हैं इस न्यू सिलेबस में। अपन वेटेज पे भी डिस्कस कर लेंगे, एक बार क्विकली ओवरव्यू कर ले सिलेबस को। ये तुम्हारा न्यू चैप्टर है डिजिटल ऑडिट एंड एश्योरेंस जो कि ऑडिट एंड ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट जो था उसके रिप्लेसमेंट में आया समझ लो। ग्रुप ऑडिट तुम्हारा सेम है एज इट इज, ग्रुप ऑडिट सेम है एज इट इज। सीएफएस ऑडिट, स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसी जो मैंने बताया क्लब कर दिया। पीएसयू ऑडिट है एज इट इज, इंटरनल ऑडिट है मोटा माटी एज इट इज। ये चैप्टर भी इसमें चेंजेस है थोड़े थोड़े, फॉरेंसिक ऑडिट और ड्यू डिलिजेंस में कुछ कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं। देन इसके अलावा प्रोफेशनल एथिक्स एज इट इज है, इसमें मैंने बताया लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर इंक्लूड कर दिया है एंड तुम्हारे मिसलेनियस सेक्शन ऑफ कंपनी ऑडिट और कारों को अपन करने वाले हैं कवर। तो ये तुम्हारे हो गए न्यू टॉपिक्स। इसमें किसी को कोई डाउट है न्यू चैप्टर में? क्यों मैं अभी ले रहा हूँ क्योंकि अपने मोस्ट ऑफ द क्राउड जो है अपना सिलेबस ओल्ड सिलेबस वाले से भी है, नवंबर 2023 अटेम्प्ट से भी, तो किसी को कोई भी डाउट एज सच की क्या कवर हमको और नहीं करना है या किस में और चीजें हैं तो एक बार पूछ लो। देन वी विल मूव ऑन टू वेटेज एंड क्या क्या सिलेबस में और चीजें हैं। राइट, सो चेंजेस में मैंने तुमको बता दिया। वेटेज वाइज अगर मैं बताऊं तो वेटेज में तुम्हारा अब इम्पोर्टेंट आता है ये जो कि पूरा कम्प्लीटली चेंज है। स्टैंडर्ड्स जो कि पहले 20 to 25 मार्क्स के आते थे वी एक्सपेक्ट नाउ टू कम अराउंड 50 मार्क्स, मतलब 50% इसका वेटेज है न्यू सिलेबस में। इसके अलावा तुम्हारा दूसरा अगर मैं डिवाइड करूँ तो प्रोफेशनल एथिक्स हो गया तुम्हारा अराउंड 15% इसका वेटेज दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने एंड इसके अलावा तुम्हारा हो गया अदर ऑडिट्स, इसका वेटेज है रिमेनिंग 35%। तो ये तुम्हारा वेटेज समझ में आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट हो गया स्टैंडर्ड्स। और स्टैंडर्ड्स पे अब अपन को डिस्कशन करना है प्रॉपरली डिटेल में। एक बार ओवरव्यू दे दूँ कि अपन स्टैंडर्ड्स कैसे करने वाले हैं कवर। तो स्टैंडर्ड्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग हो गया, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में भी अपने एसए 200 की सीरीज से लेके एसए 800 की सीरीज हो जाती है और एक अदर स्टैंडर्ड्स हो गए जो कि अभी मैंने तुम लोग को बताया एसएई, एसआरई, एसआरएस एंड बाकी सारे स्टैंडर्ड्स। अब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में ये जो मैंने स्टैंडर्ड्स लिखे हैं, ये जो स्टैंडर्ड्स लिखे हैं मैंने 200, 210, 230, 315, 320, 500, 501, 505, 510, 530, 550, 560, 570, 580। ये स्टैंडर्ड्स मैंने क्यों नोट किए? क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स में जैसे अगर तुम देखोगे 501 का चैप्टर तुम उठाओगे अपने चैप्टर नंबर 5 में, तो तुमको दिखेगा कि एक चार्ट दिया इंस्टीट्यूट ने, एक पेज का, बस एक पेज का एक चार्ट दिया जिसमें पूरा का पूरा एक स्टैंडर्ड कवर कर लिया है। अब ये चार्ट में क्या सारी चीजें कवर है? आंसर इज नो। तो ये ऐसे स्टैंडर्ड्स है जो इंस्टीट्यूट ने कवर नहीं किया है प्रॉपरली। डिटेल में बोलूं तो ये स्टैंडर्ड्स तो बिल्कुल डिटेल में कवर नहीं किया, और ये स्टैंडर्ड तो उड़ाई दिया। उड़ाई दिया मतलब ऐसे बोल दिया कि भैया तुम इंटर में पढ़ते थे तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम इंटर में पढ़ते हो तो हमको पता है कि तुमको सब चीज याद होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब अपना अप्रोच क्या रहेगा ये स्टैंडर्ड्स के लिए? बाकी स्टैंडर्ड्स तो अपने को डिटेल में करना ही है, बाकी स्टैंडर्ड्स तो डिटेल में करने वाले हैं। पर्टिकुलरली ये स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो ये स्टैंडर्ड्स भी अपन करेंगे ही डिटेल में, क्योंकि तुम अगर इसका क्वेश्चन देखोगे, ये चैप्टर दिया हुआ है और ये चैप्टर के बाद में तुमको पता होगा टेस्ट योर नॉलेज के जो क्वेश्चंस होते हैं लास्ट में, या तुम्हारा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग एक नया ऐड के इंस्टीट्यूट में, तुमको पता होगा स्टडी मटेरियल में हर टॉपिक के बाद। तो ये जो क्वेश्चंस जिसमें पूछा है, ये क्वेश्चंस जब पूछा है तो उसके आंसर, और जो क्वेश्चन जो खुद पूछा है वो टॉपिक वही है जो डिटेल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कवर कर पाएंगे, तभी अपन उसको आंसर कर पाएंगे। सो इफ यू विल जस्ट गो थ्रू दिस चार्ट तो डेट वोंट बी सफाइस। तो इन ऑल एसेंस में अगर मैं बोलूँ तो एसेंस में अपने को सारे स्टैंडर्ड्स डिटेल में कवर करने हैं, बट ये स्टैंडर्ड्स को नोट कर लो, ये स्टैंडर्ड्स को अपन वो टॉपिक पर्टिकुलरली कवर करेंगे जो जनरली स्टडी मैट में एम्फेसाइज किया गया है, एंड जो पर्टिकुलरली वही टॉपिक दिया हुआ है, एंड जिसके वो क्वेश्चन आंसर भी दिया है। क्योंकि जनरली वी फाइंड दैट जब न्यू सिलेबस आता है तो हिस्टोरिकली क्या हुआ है कि जो न्यू सिलेबस है तो स्टडी मटेरियल जो है एज इट इज वहाँ के क्वेश्चन आने चाहिए, एज इज जो कुछ नया है वो उल्टा नया क्वेश्चन उतना ज्यादा नहीं आना चाहिए फर्स्ट मे 2024 के लिए अगर मैं बोलूँ तो हिस्टोरिकली बेस्ड ऑन दैट वी विल सिंपली रिड्यूस थोड़ा सा आर कवरेज फॉर दीज स्टैंडर्ड्स, नॉट दैट मच। I'll tell you when we cover these standards, but ultimately what I was saying कि बाकी सारे स्टैंडर्ड डिटेल में कवर करने हैं, ये सारे स्टैंडर्ड को मार्क कर लेना कि तुम जब पढ़ोगे so that you are aware कि ये सारे स्टैंडर्ड्स में क्या क्या कवर करने हैं अपने को, क्या क्या कवर नहीं करना है। इन एसेंस जो जो एसएम में नहीं दिया है उसको अपन कवर करेंगे, बट उसको याद हो सकता है अच्छे से ना करें, ठीक है। स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग के अलावा मैं तुमको वेटेज बताया प्रोफेशनल एथिक्स का भी 15% वेटेज है, जो कि आज अपन इस टॉपिक से स्टार्ट करने वाले। और इसके अलावा अदर ऑडिट्स में तुम्हारा आ जाते हैं जो अभी अपन ने डिस्कस किया, ये सारे ऑडिट तुम्हारे ग्रुप ऑडिट हो गया, ऑडिट ऑफ बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया, पीएसयू ऑडिट हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, ड्यू डिलिजेंस जैसे कुछ अलग ऑडिट्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशन हो गया, फॉरेंसिक ऑडिट हो गया, तो ये सारे तुम्हारे अदर ऑडिट्स में आ जाते हैं। ये हो गया तुम्हारे चेंजेस एंड वेटेज के ऊपर बात। एंड अब आ जाओ एक बार मटेरियल पे। तो मटेरियल पे कई लोगों को बहुत डाउट है, सो अगेन 1,888 अपनी जो फीस है इसमें सॉफ्ट कॉपी इंक्लूडेड है तुम्हारा संपूर्ण बुक का। संपूर्ण मेन बुक है अपनी, 3 बुक है। मेन बुक जो संपूर्ण है डेट इज मोर देन इनफ। संपूर्ण बुक इन एसेंस अगर मैं तुमको दिखा दूं तो सारी चीजें कवर्ड है। ऐसा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के जो तुमको दिख रहा है, ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग इंस्टीट्यूट ने न्यू क्वेश्चन एड किए हैं तुम्हारे कहाँ पे, इन द स्टडी मैट इटसेल्फ। हर टॉपिक के बाद नहीं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बाद टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स के बाद जस्ट ऐड किए, वो सब भी इंक्लूडेड है। तुम्हारे टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है, तुम्हारे आरटीपी के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, एमटीपी के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। जो इंक्लूडेड नहीं है वो मैं बता दूं, एमसीक्यू, वो भी उसमें बारिंग फ्यू एमसीक्यू जो इंस्टीट्यूट ने अलग से पब्लिश किया हुआ है। उसके अलावा जो स्टडी मैट में एमसीक्यूज जो है वो भी इस बुक में ही इंक्लूडेड है। तो डेट वॉज अबाउट वॉट संपूर्ण बुक, कि इसमें सारी चीजें तुमको मिल जाएगी। तो दैट इज इंक्लूडेड सॉफ्ट कॉपी, जो कि मैंने डिटेल्स तुमको टेलीग्राम में शेयर की है कि तुमको ये डिटेल्स प्रोवाइड करवा दो तो मैं तुमको सॉफ्ट कॉपी फटाफट से दे दूंगा। रिकमेंडेड हार्ड कॉपी सिंस इट विल बी अ कलर्ड बुक एंड देयरफॉर हेल्प्स यू टू रिटेन मोर एंड रिटेन इजीली। कंपाइलर विल बी प्रोवाइडेड टू यू आफ्टरवर्ड फॉर प्रैक्टिस के लिए, कि भैया जस्ट एक सामने क्वेश्चन हो, मैं क्वेश्चन पढ़ूं और मुझे पता चले कि आंसर क्या है उसका। तो प्रैक्टिस के लिए अगर तुमको करना है तो कंपाइलर, यू कैन गो फॉर एनी कंपाइलर व्हाट एवर यू वांट। एंड एक एमसीक्यू बुक है जिसमें अगेन फॉर प्रैक्टिस पर्पस वी कैन प्रैक्टिस एमसीक्यूज एज वेल। ये अपने 3 मटेरियल है जिसमें से संपूर्ण मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी इज इंक्लूडेड, विल बी प्रोवाइडेड टू यू व्हेन यू प्रोवाइड द डिटेल्स दैट वाज गिवन इन द टेलीग्राम। इसके अलावा मैं अपने बारे में बता दूं, कई लोग जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते, तो आई एम Chartered Accountant Yash Chandak. I have also cleared all levels of my company secretary exam and also all the 3 levels of CFA. After clearing Chartered Accountancy, I joined Larsen and Toubro in the audit division, internal audit, corporate audit, and later on, jab we started with what this teaching of audit, ki so that we help our fellow students. ठीक है, तो अपने को इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। किसी को कुछ भी दिक्कत है, कोई डाउट है तो मेरे को फटाफट से बता दो, 2 मिनट का टाइम है। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे अपना मेन सब्जेक्ट प्रोफेशनल एथिक्स ऑडिट। आज का चैप्टर होगा प्रोफेशनल एथिक्स। अच्छा, मेरे को कई लोग का डाउट था कि सर कैन यू कवर अदर ऑडिट का कोई चैप्टर क्या, सिंस दिस इज गोइंग टू बी अ डेमो, सो वी ऑल्सो वॉन्टेड टू सी कि अदर ऑडिट्स के लिए कैसा होगा। तो प्रोफेशनल एथिक्स तो अपना क्या है, इज एन ईजी, इंटरेस्टिंग एंड वेरी पावरफुल चैप्टर टू स्कोर मार्क्स, मतलब काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है एंड मैनी ऑफ यू ऑल्सो बी नोइंग ऑलरेडी। सो प्रोफेशनल एथिक्स मैंने सोचा 2 दिन मैं ये कवर करूँगा और इसके बाद 1 दिन का गैप लेके मैं तीसरे दिन NBFC ऑडिट कवर करूँगा। तो फर्स्ट 3 डेज आर डेमो के जो रहेंगे अपने, वो एज सच लाइन से प्रोफेशनल एथिक्स ना लेके 1 दिन का मैं 3rd डे तुमको NBFC ऑडिट कवर करवा दूंगा। फर्स्ट 2 डेज विल बी आर प्रोफेशनल एथिक्स इन विच वी विल ट्राई टू कवर शेड्यूल 1 का पार्ट 1 का क्लॉज 9 से 10 तक अपन कोशिश करेंगे कर ले। Those who have ordered book hard copy will also get hard copy of compiler and MCQ booklet with yes, hard copy of compiler के लिए अलग सेपरेट ऑर्डर करना पड़ेगा, MCQ booklet की हार्ड कॉपी के लिए सेपरेट ऑर्डर करना पड़ेगा एंड संपूर्ण बुक की हार्ड कॉपी के लिए भी सेपरेट ऑर्डर करने पड़ेगा। जस्ट बिकॉज दीज आर हार्ड कॉपी सो आई विल बी इनकरिंग एक्स्ट्रा कॉस्ट, सो आई एम नॉट प्रोवाइडिंग विथ दिस बैच। सॉफ्ट कॉपी तुमको मिल जाएगी। एनीथिंग रिलेटेड टू डाउट, बैकअप मटेरियल, कुछ भी else we can start with our chapter professional ethics. चले आगे बढ़े, तो एक बार फटाफट से मैं तुमको ओवरव्यू दे देता हूँ एक बार बुक का भी, so that you also gain trust on this book संपूर्ण। ट्रस्ट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब तक भरोसा नहीं तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, राइट। सो यू कैन सी, जैसे अपन आज कवर भी करेंगे, सो मोस्ट ऑफ अपने बुक का मैंने क्या किया है, स्टडी मटेरियल में से सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग फ्रॉम द स्टडी मटेरियल आई हैव ट्राइड टू कवर इन माई बुक में कवर करने के बाद उससे रिलेटेड जो कोई क्वेश्चन होगा अगर कहीं पे भी आया हो, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, टेस्ट योर नॉलेज में स्टडी मटेरियल के जो लास्ट में दिया रहता है वो, यार स्टडी मटेरियल के बीच बीच में जो इंस्टीट्यूट ने नए टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन डाले हैं, वो सब मैंने कवर कर लिए है इसी बुक में। तो क्लॉज 2 में आप देखोगे तो क्लॉज 2 में तुमको दिख जाएगा ये एंड देन क्लॉज 3 एंड ये दोनों क्लॉज से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट ने अभी तक पूछे वो अपन ने कवर कर लिया। कैन यू प्लीज स्टिक टू द शेड्यूल हाफ पीई देन एनबीएफसी, हाफ पी हो ही जाएगा अपना, हाफ पी ऑलमोस्ट शेड्यूल 1 का क्लॉज 10 क्लॉज 11 तक हो जाएगा, तो डेट विल बी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो शेड्यूल 2 है और बाकी जो पोर्शन है प्रोफेशनल एथिक्स का, डेट इज नॉट डेट वास्ट एज कम्पेयर टू जो शेड्यूल 1 है। शेड्यूल 1 कवर्स योर ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर प्रोफेशनल एथिक्स, वास्ट है। सो व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट वाज रिगार्डिंग द बुक की ये जो तुम्हारा क्लॉज 4 है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है एंड देन उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। तो ये अपने बुक का ढांचा हो गया कि जहाँ पे तुमको टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आजू बाजू में ही कहीं ना कहीं मिल जाए। इसके अलावा ये जो जगह दी है तुमको, ये स्पेस फॉर नोट के लिए बुक है, स्पेस फॉर नोट के लिए जगह दी है। यहाँ पे तुम कोई मेमोरी ट्रिक में अगर बता रहे हो तो वो नोट कर सकते हो, कोई तुमको और नोट करना है, कोई और चीज़ नोट करनी वो नोट कर सकते हो। इस बार की RTP या इस बार की MTP न्यू वाली, उसमें कोई तुमको न्यू क्वेश्चन मिलता है या कोई न्यू टॉपिक मिलती है तो भी वही यहाँ पे ही कवर कर लो, सो डेट लास्ट मोमेंट पे तुमको लास्ट 1.5 डे में रिवाइज करने के लिए कहीं और जाना ना पड़े, मल्टीपल मटेरियल्स रेफर ना करना पड़े। इसलिए ट्राई टू समराइज, ट्राई टू कंसेप्चुअलाइज एवरीथिंग जस्ट बिसाइड द टॉपिक। even you can use if not anything, then you can just summarize the topic just beside the topic itself. So summary बनाने हैं बाजू में, या तुमको कुछ भी important note करना है, so space for note is also provided just beside this every topic. Test schedule won't be disturbed because अपना एक दिन का ऐसे भी गैप है सतीश, don't worry, ठीक है। तो पी के बाद एक दिन का ऐसे भी गैप था, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, टेंशन मत लो। अगर किसी को नहीं हो रहा है, यानी दिक्कत नहीं हो रही है, तो आई विल प्रोवाइड रिकॉर्डेड। ऐसे भी एनबीएफसी ऑडिट में कुछ चेंजेस नहीं है एक्सेप्ट फॉर नेट ओन फंड, तो अगर किसी को अगर वैसा भी देखना है कि डेमो इज सच अदर ऑडिट्स के लिए, तो उसको रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है। तो अपन स्टार्ट करेंगे आज प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर से, जिसको अपन क्या क्या बोल सकते हैं, कोड ऑफ एथिक्स हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, या कुल मिला के अपना बोलूँ तो चैप्टर 19 प्रोफेशनल एथिक्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल एथिक्स एज सच? अगर अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, राइट, सो एवरी प्रोफेशनल बॉडी इफ यू सी, बी इट डॉक्टर, बी इट लॉयर, बी इट एडवोकेट्स, और बी इट एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी, एक्चुअरीज, तो सारी बॉडीज की एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि भैया आचार संहिता के तहत इस तरह तुमको बिहेव करना है इन दी ओपन फोरम, इन द पब्लिक, इन जनरल, राइट। सो ये सारे चीजें कंपाइल करने के लिए इंस्टीट्यूट ने क्या निकाला है, कोड ऑफ कंडक्ट, और इंस्टीट्यूट इसको क्या बोलिए, कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स के 3 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 में तुम्हारा ISBA के स्टैंडर्ड कवर्ड है, IESBA, जिसको अपन ब्रीफली यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है, जिसको अपन ब्रीफली यहाँ पे देखने वाले हैं, वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 2 में तुम्हारा डोमेस्टिक इंडियन रिलेटेड जितने स्टैंडर्ड्स है वो अपन डिटेल में कवर करेंगे। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, तुम्हारा अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट तुमको पता होगा तो CA एक्ट है, तो CA रूल्स भी होगा। इसके अलावा हर एक्ट में तुमको पता है कि शेड्यूल हो सकते हैं, शेड्यूल, राइट, जैसे तुमको पमला पता होगा, पमला में कितने शेड्यूल है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कितने शेड्यूल है, बोलो फटाफट, 1, राइट। तो जहां पे भी वहां पे बोला जाता है कि एस ऑफेंस जो कि शेड्यूल में मेंशन्ड है, तो इसलिए वहां पे क्या बोलते हैं अपन, शेड्यूल्ड ऑफेंस। शेड्यूल्ड ऑफेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ही शेड्यूल है, पता है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 रेफर नहीं करना पड़ता है। लेकिन कंपनी एक्ट में कितने शेड्यूल है, 7 शेड्यूल है, राइट, तो वहां पे अलग से रेफर किया जाता है, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 में क्या दिया है। सिमिलरली अपने CA एक्ट में 2 शेड्यूल दिए हुए हैं, 2 शेड्यूल दिए हुए जिसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। CA रूल्स, CA शेड्यूल, CA एक्ट हो गया, CA रूल्स हो गया, शेड्यूल हो गया। इसके अलावा तुम्हारी गाइडलाइन है, गाइडलाइन कौन देती है, गाइडलाइन तुम्हारी अपनी काउंसिल देती है, जैसे तुमको पता होगा एडवोकेट्स में बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो सिमिलरली अपनी भी काउंसिल है जो कि गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, काउंसिल जनरल गाइडलाइन, CCG, तो इसको भी पढ़ना है अपन को। इसके अलावा तुमको दिया होगा शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 में कि ये मत करो, ये मत करो, ये करो, ये करो, ये करना अलाउड है, तुमको एडवर्टीज करना ऐसे अलाउड नहीं है, तुमको एडवर्टीज करना ऐसे अलाउड है। इसके अलावा अगर तुमको कोई नया ही बीच में सूझता है कि सर ऐसे भी कर सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट, और ये कुछ प्रोवाइडेड ही नहीं है, ना शेड्यूल में दिया ना कहीं पे दिया हुआ है, तो जब डाउट हो तो लोग कहा जाते हैं ESB के पास, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के पास। तो जब डाउट हो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के पास जाते हैं लोग, और एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड अपना डिसीजन देती है कि ठीक है ये नया केस है, इसको इस तरीके से कर सकते हो या नहीं कर सकते हो तुम। तो अपन को एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजन भी पढ़ने हैं, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस भी पढ़नी है, CA एक्ट भी पढ़ने हैं, और CA एक्ट पूरा नहीं पढ़ना है, CA एक्ट के कुछ प्रोविजन पढ़ने हैं, शेड्यूल डिटेल में पढ़ने हैं, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 बोथ, उसके अंदर जो पार्ट्स है एंड क्लॉजेज है दैट वी विल कवर, एंड देन उसके अलावा अपन अभी मैंने बताया तुमको ICSI को ब्रीफली कवर करना है। एंड वॉल्यूम 3 में तुम्हारे केस लॉज है जो कि इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में तो इंक्लूड किए हुए, बट एज सच आज तक कभी पूछा हुआ नहीं है, ऑल्दो फ्यू केस लॉज विच कैन बी रेफर्ड इन योर आंसर दैट आई हैव इंक्लूडेड। अगर तुमको आंसर में केस लॉज कुछ रेफर करने हैं, कुछ जगह पे है, तो दैट आई हैव इंक्लूडेड, जिसको तुम याद करके थोड़ा अगर रेफर करना चाहते हो या रेफरेंस देना चाहते हो अपने आंसर में तो दे सकते हो, बट एज सच दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ये हुआ अपना कोड ऑफ एथिक्स के बारे में। अपन आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो होता है शेड्यूल 1। तो एक बार क्विकली एक ढांचा समझ लेते हैं कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट गिल्टी पाया जाता है, 2 शेड्यूल अपने दिए हुए, तो उसके ऊपर कैसे एक्ट ऑन किया जाएगा। तो इफ यू विल फाइंड any CA doing anything unethical or not as per code of conduct, not as per code of ethics, तो उस केस में या तो तुम शेड्यूल 1 में फॉलो होगे या तो शेड्यूल 2 या तो बोथ शेड्यूल। या तो तुमने शेड्यूल 1 में कोई ऑफेंस किया होगा या तो तुम शेड्यूल 2 में कोई ऑफेंस किए होंगे या तो तुमने दोनों ही शेड्यूल में ऑफेंस किया होगा। अगर सिर्फ शेड्यूल 1 का ऑफेंस किया हुआ है तो तुमको बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन देखेगी। कौन देखेगी? बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन देखेगी। एंड अगर तुम शेड्यूल 2 का ऑफेंस किए हो या फिर शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 दोनों का किए हो, अगर शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 दोनों का किए हो मतलब तुमने शेड्यूल 2 का तो किया ही है ना, तो शेड्यूल 2 थोड़े ग्रीवियंट नेचर के ऑफेंस होते हैं, ये ऑफेंस थोड़े गंभीर होते हैं एंड देयरफॉर दिस हैज टू बी डेल्ट विद बाय डिसिप्लिनरी कमिटी। डीसी डिसिप्लिनरी कमिटी उसको देखेगी एंड सुनवाई करेगी। अगर तुम शेड्यूल 1 में बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन तुमको गिल्टी पाई जाती है, अगर तुमको गिल्टी पाया जाता है तो तुमको या तो चेतावनी दी जाएगी या तो तुम्हारा नाम रिमूव कर दिया जाएगा अप टू 3 months। रिमूव द नेम ऑफ योर मेंबरशिप फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर। जो सीए है तुम सीए नहीं कहला पाओगे अगले 3 महीने तक, अप टू 3 months, या फिर तुम पे फाइन किया जा सकता है 1 लाख तक। लेकिन अगर डिसिप्लिनरी कमेटी तुमको शेड्यूल 2 में गिल्टी पाती है तो चूंकि मैंने बताया ये थोड़े ग्रीवेंट नेचर के ऑफेंसेस है एंड देयरफॉर मेंबर्स को रिप्रिमांड कर दिया जाता है, या तो चेतावनी देके छोड़ देंगे या तो तुम्हारा मेंबरशिप से नाम हटा सकते हैं फॉर एनी ड्यूरेशन। तो तुमको कई बार तुमने सुना होगा, गूगल में भी आते होंगे तुमको न्यूज वगैरह कि कोई सीए को जीएसटी फ्रॉड में गिल्टी पाया गया, या आजकल तो नफरा के रूल्स, तुमने नफरा के डिसीजन बहुत सुन रहे होंगे। क्यों? नफरा बोले तो नफरा इज अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ सेपरेट पार्लियामेंट एक्ट, जिसने अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर गवर्निंग स्टार्ट कर दी है। सो एज पर न्यू प्रोविजन जो कि 3-4 साल पहले से लागू है, तो कुछ ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म जो बड़े ऑडिट्स करते हैं, जो पब्लिक कंपनी के ऑडिट करते हैं या जो तुम्हारे लिस्टेड कंपनी के ऑडिट करते हैं, जो बैंक्स के ऑडिट करते हैं, जो पीएसयू के ऑडिट करते हैं, जो ऐसे बड़े बड़े ऑडिट फर्म्स है, अगर उन्होंने एक भी ऐसी ऑडिट की हुई है तो उन ऑडिट फर्म्स के लिए नफरा गवर्न करेगी उनको। आईसीआई तो करेगा, वो करेगा अपना, नफरा उनको करेगी और नफरा अपना रूल्स लगाती है। नफरा क्वालिटी रिव्यू करवाती है, पीयर रिव्यू करवाती है, तुमको पता होगा पीयर रिव्यू तो आईसीआई करवा ही रही है। इसके अलावा अगर चाहे तो नफरा क्वालिटी रिव्यूज भी उन फर्म के ऊपर करवा सकती है एंड उनको अगर दोषी पाया जाए तो वहां पे तुम्हारा अब मेंबरशिप से नाम फॉर एनी ड्यूरेशन हटाया जा सकता है या तुम्हारे ऊपर फाइन इम्पोज किया जाता है अप टू 5 लाख तक का। तो ये तुम्हारा हो गया अगर तुम गिल्टी पाए जाते हो शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 में। सबसे पहले चालू कैसे होगा? सबसे पहले डायरेक्टर डिसिप्लिन जो है, जो डायरेक्टर डिसिप्लिन है, वो तुमको, उसको लग रहा है कि तुम गिल्टी हो सकते हो तो तुम्हारी कंप्लेन करेगा। किसको? बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को। अगर तुमको लग रहा है, अगर उसको लग रहा है डायरेक्टर डिसिप्लिन को कि तुम गिल्टी हो सकते हो तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को कंप्लेन करेगा, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के सामने तुम्हारा केस रखेगा और बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को लगता है कि तुम फिर शेड्यूल 1 में पाना चाहिए या तुमने शेड्यूल 2 का ऑफेंस किया है तो अकॉर्डिंगली तुम्हारा केस ट्रांसफर हो जाएगा शेड्यूल 1 या फिर शेड्यूल 2 में। और शेड्यूल 1 में गिल्टी पाए जाते हो तो तुम्हारा ये 3 केस लग सकते तुमको, और शेड्यूल 2 में पाए जाते हो तो तुमको अगेन रिप्रिमांड किया जाएगा या तो फाइन लिया जाएगा अप टू 5 लाख तक का या फिर रिमूव कर दिया जाएगा तुमको हमेशा के लिए। ये तुम्हारे 2 केस हो गए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि एमसीक्यू आ सकता है। एंड इवन मोर इम्पोर्टेंट, अगर तुम अग्रीव्ड हो बाय द ऑर्डर ऑफ बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन और डिसिप्लिनरी कमिटी, तो ये जो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने शेड्यूल 1 ऑफेंस के लिए ऑर्डर दिया या डिसिप्लिनरी कमेटी ने शेड्यूल 2 ऑफेंस के लिए जो भी ऑर्डर दिया, इससे या तो तुम अग्रीव्ड हो या तो डायरेक्टर डिसिप्लिन अग्रीव्ड है, तो दोनों ही जा सकते हैं विद इन 90 days टू द एपेलेट अथॉरिटी, जो आईसीआई की एपेलेट अथॉरिटी है। जैसे कंपनी लॉ में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, वैसी आईसीआई के लिए तुम उनके एपेलेट अथॉरिटी में विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ऑर्डर तुम जा सकते हो अपील करने के लिए इस ऑर्डर के अगेंस्ट। तो मुझे अब एक बार क्विकली बताओ कि डायरेक्टर डिसिप्लिन यहाँ पे कैसे एग्री होगा? मैं एग्री हो सकता हूँ क्योंकि मेरे अगेंस्ट ऑर्डर आया। डायरेक्टर डिसिप्लिन यहाँ पे कैसे एग्री होगा? यस, बोलो बोलो बोलो। कुछ बोल रहे तो आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ राइट राइट सिंपल राइट। तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डायरेक्टर डिसिप्लिन ने केस दिया बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को कि भैया इस केस को देखो, शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 में गिल्टी होना चाहिए, और बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में मेंबर के लिए फेवर में दे दिया, जो कि सतीश सही बोल रहे हैं। एंड उस केस में डायरेक्टर डिसिप्लिन भी अपील कर सकते हैं विदिन 90 डेज, याद रखना 90 डेज में अपील किया जा सकता है। सो अगेन क्विकली रिवाइज करूँ तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन शेड्यूल 1 में देखेगा, शेड्यूल 2 या बोथ में डायरेक्ट डिसिप्लिनरी कमिटी देखेगी। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन तुमको क्या ऑर्डर दे सकता है, मेंबर को या तो रिप्रिमांड करेगा, या तो फाइन अप टू 1 लाख लगाएगा, या तो 3 महीने तक तुम्हारा रजिस्टर ऑफ मेंबर से नाम हटा देगा। डिसिप्लिनरी कमेटी क्या कर सकती है, रिप्रिमांड तो कर ही सकती है, फाइन अप टू 5 लाख लगा सकती है, और इम्पोर्टेंटली कितने भी ड्यूरेशन के लिए तुम्हारा नाम मेंबरशिप से हटा सकती है। तो इसलिए अपन अब क्या पढ़ना जरूरी है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। तो एक बार फटाफट से अपन क्या करते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। तो शेड्यूल 1 है तुम्हारा और शेड्यूल 2 है। तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में कितने पार्ट्स हैं? तो शेड्यूल 1 में पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है। शेड्यूल 2 में भी पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। शेड्यूल 1 में पार्ट 1 में तुम्हारे 12 क्लॉजेज है, 12 क्लॉज पढ़ने अपने को। पार्ट 2 में तुम्हारे 2 क्लॉज कवर्ड है। पार्ट 3 में तुम्हारे अगेन 4 क्लॉजेज है, एंड पार्ट 4 में 2 क्लॉज है। पार्ट 1 में अगेन 10 क्लॉज है, पार्ट 2 में 3, एंड पार्ट 3 में 1 ही क्लॉज है। ठीक है, तो ये अपन ने अलग अलग पार्ट क्यों किया इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि भाई सारे पार्ट अलग अलग है। इन द सेंस ये पार्ट 1 से लेके जो पार्ट 3 है ये तुम्हारे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाते हैं। अगर तुम पार्ट 1 से लेके राइट, तो अगर तुम पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक अगर तुम कोई भी मिसकंडक्ट करते हो तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाएगा। एंड तुम्हारा पार्ट 4 में तुम अगर कोई मिसकंडक्ट करोगे तो इसको अपन बोलते हैं अदर मिसकंडक्ट। दिस इज नॉट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बट दिस इज अदर मिसकंडक्ट। सिमिलरली पार्ट 1 और पार्ट 2 में तुम्हारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है और पार्ट 3 में तुम्हारा अदर मिसकंडक्ट है। इसके अलावा पार्ट 1 तुम्हारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को एप्लीकेबल होता है, सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को एप्लीकेबल होता है। पार्ट 2 तुम्हारे ऑल इम्प्लॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एम्प्लॉयमेंट में उनको एप्लीकेबल होता है। पार्ट 3 पार्ट 4 जनरल है जो स्पेसिफिक अपन केस टू केस बेसिस में देखेंगे। पार्ट 1 अगेन यहाँ पे भी तुम्हारा चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को कवर होता है। पार्ट 2 तुम्हारा जनरल है एंड पार्ट 3 भी तुम्हारा जनरल है। तो इंस्टीट्यूट ने ऐसे पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। अपने को एक बार इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि शेड्यूल नंबर, पार्ट नंबर एंड क्लॉज नंबर, ये तीनों याद रहने चाहिए, एकदम याद रहने चाहिए। इन द सेंस इसका मार्क्स होता है, इंस्टीट्यूट इसका मार्क्स देती है, 1 मार्क देती है इंस्टीट्यूट। अगर तुम सही रेफर करोगे, अगर इसका सही रेफरेंस दोगे आंसर में तो इसका 1 नंबर मिलेगा तुमको। तो 4 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 1 नंबर तो सही रेफरेंस देने का ही है, मान के चलो। वाई आई वॉज सेइंग कि प्रोफेशनल एथिक्स वेरी पावरफुल चैप्टर टू स्कोर बिकॉज इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर दिस शेड्यूल नंबर। इसके अलावा तुमको ये शेड्यूल की लैंग्वेज डालनी है, प्रोविजन ऑफ द केस बताना है, एंड देन तुमको कंक्लूड करना है कि गिल्टी है या गिल्टी नहीं है। क्या करने बोला मैंने वापस से, शेड्यूल नंबर, पार्ट नंबर, क्लॉज नंबर का रेफरेंस देके उसकी लैंग्वेज तुमको बतानी है कि ये प्रोविजन है। प्रोविजन के अलावा तुमको फिर फैक्ट्स ऑफ द केस बता के कंक्लूड करना है आंसर को, जैसे अपन लॉ के कोई भी क्वेश्चन आंसर में करते हैं राइट। सो सिमिलरली यहाँ पे भी अपने को करना है, एंड यू गेट फुल 4 out of 4 इफ यू स्पेसिफाई करेक्ट शेड्यूल, पार्ट एंड क्लॉज नंबर। करेक्ट लैंग्वेज के साथ अपन अगर कोट करते हैं तो, एंड देन फैक्ट्स ऑफ द केस एंड प्रॉपरली कंक्लूड करते विद गिल्टी और नॉट गिल्टी। तो इसमें तुमको प्रॉपरली सारे नंबर मिल जाते हैं, 4 out of 4 प्रोफेशनल एथिक्स में पूरे नंबर स्कोर करते हैं स्टूडेंट्स एवरी टाइम। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। रही बात सर इसको याद कैसे करें, शेड्यूल नंबर, पार्ट नंबर, क्लॉज नंबर कैसे याद करें, तो अपन अभी एक क्विकली एक्सरसाइज कर लेंगे मेमोरी ट्रिक्स के साथ। 10-15 मिनट देते हैं, 10-15 मिनट में एक बार अपना सारा शेड्यूल के सारे क्लॉजेस भी ओवरव्यू हो जाएंगे 10-15 मिनट्स में, एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू रिकॉल ऑल द क्लॉज नंबर विथ पार्ट नंबर है शेड्यूल नंबर। तो शेड्यूल और पार्ट नंबर और क्लॉज नंबर के साथ अपन को याद करने हैं सारे के सारे क्लॉजेस, एंड एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं एंड ट्राई टू रिकॉल ऑल दिस क्लॉजेस विथ दिस मेमोरी ट्रिक, या जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। तो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं तुमको फॉरवर्ड भी कर दूंगा, बट अपन क्या करने वाले, मेरे साथ रहना एकदम, ट्राई टू रिमेंबर ऑल दिस क्लॉज नंबर। तो अपन शेड्यूल वन में जो पार्ट वन है उसके 12 क्लॉज है, उसको अपन याद करने की कोशिश करते हैं। तो इसको अपन 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10, 11, 12। तो ये जो 3 पार्ट है और ये जो 3 क्लॉज है, सॉरी 1, 2, 3 एंड 7, 8, 9, इसको अपन कैसे याद करेंगे, 1 गन, 2 शू, 3 फ्री, 7 हेवन, 8 कम्युनिकेट एंड 9 139। तो ये राइमिंग वर्ड्स है कुछ, जो तुमको शेड्यूल के पार्ट के क्लॉज नंबर बोलने से ही राइम होने चाहिए। 1 गन 2 शू 3 फ्री, 1 गन 2 शू 3 फ्री, राइट। 7 हेवन, 8 कम्युनिकेट, 9 139। 1 गन 2 शू 3 फ्री, 7 हेवन, 8 कम्युनिकेट, 9 139। ये जो 3 है अपन, इसको अपन अपने हाथ से रिकॉल करेंगे, और जो 10, 11, 12 है इसको अपन पिक्टोरियल से रिकॉल कर लेंगे। तो देखो एक बार क्विकली अपन स्टार्ट करते हैं। 1 गन, गन से मैंने तुमको बोला कि भैया अपना नाम बताओ, गन से दिखा के तुमको नाम बताओ। तो नाम से क्या याद आना चाहिए, नेम से क्या याद आना चाहिए, कि यहाँ बोलता है ये वाला क्लॉज कि सीए इन प्रैक्टिस शेल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, मतलब तुमको जीपीएम पाया जाएगा, गिल्टी पाया जाएगा अगर तुम किसी और बंदे को अपना नाम, अपना फर्म का नाम यूज करने दे रहे हो। मतलब ऐसे बंदे को तुम यूज करने दे रहे हो जो कि ना चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, ना ही तुम्हारा पार्टनर और एम्प्लॉई है। तो पहला तो अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है और तुम्हारा पार्टनर या एम्प्लॉई है तो तुम उसको दे सकते हो, वरना इसके अलावा तुम और किसी भी बंदे को अपना नाम, फर्म का नाम या तुम्हारा नाम यूज करने के लिए दोगे तो उस केस में तुम गिल्टी हो जाओगे। नाम, नाम, नाम नहीं देना है। 1 गन, गन से नाम बताना। 2 शू, तो शू के लिए तुमने क्या किया, पेमेंट, पे, तो पे किया तुमने या अग्री भी कर लिया, पे किया या अग्री भी कर लिया पे करने के लिए। यू विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर तुम अपने फीस का कुछ परसेंटेज, प्रॉफिट शेयर कुछ अगर तुम किसी और को पे कर रहे हो, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड पर्सन है जिसको हम पे कर सकते हैं, तो वो तुम्हारा यहाँ पे कवर्ड करेंगे अपन पार्ट 1 के क्लॉज 2 में। तो 2 से शू हो गया, शू के लिए तुमने क्या किया, पेमेंट। 3 फ्री, फ्री से तुमको पता ही है कि फ्री का अगर कुछ भी लोगे तो क्या तुम मना करोगे, क्या फ्री का कुछ भी रहेगा तो क्या तुम मना करोगे, नहीं, यू विल रिसीव, यू विल एक्सेप्ट, राइट। सो एक्सेप्ट कर रहे हो तुम या अग्री भी कर ले रहे हो एक्सेप्ट करने से, क्या सेम, किसी और के प्रोफेशनल का कुछ पार्ट, कुछ पार्ट, किसी और के प्रोफेशनल फीस का कुछ पार्ट, तो उस केस में तुम गिल्टी हो जाओगे। सामने वाला अगर सीए ही है, सामने वाला अगर सीए ही है तो गिल्टी नहीं होगे, लेकिन वो अपन देखेंगे डिटेल में क्लॉज 3 में। लेकिन अपन अभी क्या याद कर रहे हैं, क्लॉज नंबर 1 गन, गन से मैंने नाम बताने की कोशिश की, तो नाम से क्या याद आना चाहिए, CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he allows any person to use his name or allowed to practice in his name unless such other person is chartered accountant in practice and is either an employee or either a partner। तो अपन लैंग्वेज देखेंगे बाद में। चैप्टर 2 में क्लॉज 2 में तुम्हारा क्या बोला, तुम अगर पे करते हो या अग्री भी करते हो एनी शेयर इन फीस या प्रॉफिट टू एनी पर्सन अदर देन ये 4, तो अगर किसी भी बंदे को तुम पे कर रहे हो अपनी कुछ प्रॉफिट शेयरिंग या कुछ शेयर दे रहे हो, कुछ ब्रोकरेज दे रहे हो या कुछ भी कमीशन के रूप में दे रहे हो अपने फीस का, तो उस केस में तुम गिल्टी हो जाओगे। 3 फ्री, फ्री में तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, भाई आज जो आ रहा है आने दो, तो अगेन गिल्टी हो जाओगे। इफ यू आर अगेन एक्सेप्टिंग द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रोफेशनल वर्क ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक्सेप्शन सेम अपन देखेंगे, जो अपन ने क्लॉज 2 के जो 4 एक्सेप्शन है वो यहाँ पे भी अपन देखेंगे। इसके अलावा फिर अब आते अपन क्लॉज 4, 5, 6 में। तो 4, 5, 6 मैंने कैसे याद करने बोला, 4, 5, 6 कैसे याद करने बोला, हाथ से, राइट। तो 4 से 4 बोतल वोडका याद रखना, 4 बोतल वोडका ने सारे पार्टनरशिप फर्म में आग लगा दी। पीने के बाद सब लोग लड़ने झगड़ने लग गए, तो पार्टनरशिप में जो तुमने एंटर किया था वो डिसॉल्व करना पड़ गया तुमको। तो कुल मिला के क्लॉज 4 क्या बोलता है कि अगर ये इन प्रैक्टिस तुमको पार्टनरशिप में एंटर करते हो फॉर एनी पर्टिकुलर बिजनेस और एनी थिंग व्हाट्सएवर विथ एनी पर्सन अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब किसी सीए के साथ करे तो ठीक है, लेकिन सीए के अलावा कोई और पर्सन के साथ पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हो तो तुम गिल्टी हो जाओगे। लेकिन कुछ स्पेसिफाइड पर्सन है वो भी अपन देखेंगे जिसको इंस्टीट्यूट अलाउ की है। इसके अलावा 5 देखो क्या करना है अपने को, सिक्योर, ये दिख रहा है सिक्योर। सो सिक्योर आइदर थ्रू सर्विस ऑफ एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और तुम एनी अदर वे सिक्योर कर रहे हो कोई सर्विस या कोई फीस या कोई प्रोफेशनल बिजनेस, कहीं से भी तुमको कोई प्रोफेशनल बिजनेस तुम सिक्योर कर रहे हो बाय एनी मींस व्हिच इज नॉट ओपन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उस केस में तुम क्या हो जाओगे, गिल्टी। ये हो गया क्लॉज 5। क्लॉज 6 से क्या है, ये क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा समझ लो एंड देन ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिक्सर जनरली क्या करते हैं, सॉलिसिट करते हैं तुमको पैसे देने के लिए, राइट। सो यहाँ पे भी क्लॉज 6 भी क्या बोलता है, अगर तुम कोई भी किसी को भी सॉलिसिट कर रहे हो बाय एनी मींस व्हिच इज नॉट ओपन टू यू बाय आइदर पर्सनल कम्युनिकेशन, या तुम सर्कुलर भेज रहे हो, न्यूज़लेटर भेज रहे हो, ठीक है, और बाय एनी अदर मींस व्हिच इज नॉट ओपन टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम सॉलिसिट कर रहे हो क्लाइंट को, तो उस केस में क्लॉज 6 में तुम गिल्टी हो जाओगे। बहुत बड़ा क्लॉज है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्लॉज 6 एंड 7 से एक क्वेश्चन कंफर्म है, मान के चलो, और इसी में अपने को बहुत टाइम लगने वाला है। शेड्यूल 1 का आधे से ज्यादा टाइम क्लॉज 6 में लगने वाला है। देन इसके अलावा 7, 8 कम्युनिकेट, 9, 139। तो 7 में मैंने क्या बोला कि अगर तुम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद एडवर्टीजमेंट करते हो, प्रोफेशनल अपनी अटेनमेंट्स बताते हो कि मैं देखो कितना बढ़िया काम किया है, और ये बोल रहे हो कि बाकी तुम सब तो एकदम बकवास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं जाऊँगा हेवन में, मैं जाऊँगा हेवन में, मैं जाऊँगा स्वर्ग, बाकी सब तुम लोग जाओगे नर्क, तो ये भी करना क्या है, गिल्टी है। कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो क्लॉज 7 क्या बोलता है, एडवर्टाइज कर रहे हो तुम अपनी प्रोफेशनल अटेनमेंट एडवर्टाइज कर रहे हो, या तुम अपनी डेजिग्नेशन यूज कर रहे हो जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की डेजिग्नेशन नहीं है, कोई भी डेजिग्नेशन यूज कर रहे हो अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो अपने विजिटिंग कार्ड में, लेटर हेड में, साइन बोर्ड में, तो यहाँ पे तुम गिल्टी हो जाओगे अंडर क्लॉज 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1। क्लॉज 8 क्या बोलता है, कम्युनिकेट। सिंपल है, तुमको भैया कम्युनिकेट करना है अपने भाई बंधुओं से। कौन से भाई बंधुओं से, ऐसे भाई बंधु जिसने तुम्हारे पास जो नई ऑडिट आई है वही सेम ऑडिट पिछले बार की हो। कुल मिला के मैं बोलूँ तो प्रीवियस ऑडिटर से तुमको कम्युनिकेट करना है बिफोर एक्सेप्टेंस, बिफोर एक्सेप्ट करने के बाद नहीं, एक्सेप्ट करने के पहले तुमको एक बार प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट कर लेना, सलाह मशवरा ले लेना कि भैया वो तुम्हारे यहाँ तुम्हारी फर्म छोड़ के क्यों आया, क्या तुम्हारे को फीस दिया कि नहीं दिया उसने, क्यों आया, क्या तुम उसके क्लाइंट उसके फाइनेंशियल्स में कोई फ्रॉड थे क्या, क्या मेरे को एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे मुझे एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। तो एक बार कम्युनिकेट कर लेना है तुमको, किससे, प्रीवियस ऑडिटर से, अगर नहीं करोगे तो गिल्टी। 9, 139 बोले तो सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट तुमको याद होगा, तो सिमिलरली 139 हो गया, 140 हो गया, 141, 142, ये सारे सेक्शन का अगर तुम कंप्लायंस किए बिना एक्सेप्ट कर लेते हो ऑडिट, तो यहाँ पे तुम गिल्टी हो जाओगे अंडर क्लॉज 9 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1। अब इसके अलावा आ जाओ अपने 10, 11, 12। तो 10, 11, 12 में मैंने क्या बताया, पिक्टोरियल रूप में तुमको याद रखना है। कैसे बताओ मेरे को, 10 किसके जैसे दिखता है, क्या तुमको नहीं लगता है बैट बॉल जैसे दिखता है, बताओ 10 क्या तुमको लगता नहीं है बैट और बॉल के जैसा दिखता है कि नहीं। सो बैट और बॉल का जो गेम है, क्रिकेट का गेम है, क्या तुमको लगता है कि ये अनिश्चितताओं का खेल है? Isn't it contingent, very much contingent, right? On the result of such employment, on the findings of such employment. तो अगर तुम फीस एक्सेप्ट कर रहे हो विच इज कंटिजेंट अपॉन तुम्हारा केस जीतना, तुम बोलोगे कि क्लाइंट से कि अगर मैं केस जीत गया ना तो लाख रुपए दे देना, और अगर केस हार गया तो 10,000 रुपए दे देना। तो ऐसी टाइप की अगर तुम फीस एक्सेप्ट कर रहे हो तो तुम कहाँ हो जाओगे, गिल्टी, यहाँ पे क्लॉज 10 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1, राइट। तो 10 तुमको किसके जैसे दिखता है, बैट और बॉल के जैसा। बैट और बॉल मैंने क्या बताया, इट्स वेरी कंटिजेंट गेम। सट्टा क्या बोल रहे हो, सट्टा तो लगाना बिल्कुल नहीं चाहिए सतीश, लेकिन तुम लगाते हो लग रहे। आईपीएल चालू होने वाले अभी, खुशखबरी है तुम्हारे लिए। 11 मुझे बताओ, क्या ये तुमको, यस सट्टा इज ऑल्सो कंटिजेंट, तुम उसमें फीस एक्सेप्ट करोगे, अगर जीतोगे तो ठीक है, नहीं मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लॉज 11 में आ जाओ फटाक से। क्या तुमको ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे दिख रहा है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थोड़ा लंबा बना देता हूँ क्योंकि ये लंबे थे। तो क्या तुमको ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे दिख रहे? बोलते जाओ। ये देखो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे मेरी एक ऑफिस थी, ये बिल्डिंग उड़ाने के पहले यहाँ पे मेरी एक ऑफिस थी जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था। उस समय मैं नहीं था, मतलब जो मेरा परिचित, उनकी ऑफिस थी, वो बिजनेस करते थे यहाँ पे अलग से। तो क्लॉज 11 तुमको बोलता है कि अगर तुम कोई बिजनेस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होते हो अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तुम कोई भी धंधा करते हो, कोई भी धंधा पानी करते हो, तो तुम गिल्टी हो जाओगे क्लॉज 11 में। 11 याद रख सकते हो तुम, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जैसा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्या होते हैं, बिजनेस ऑक्यूपेशन होते हैं बहुत सारे, राइट, होते थे। एंड तुम्हारा क्लॉज 12 आ गया लास्टली, इसको तुम याद कर लो। क्या ये तुमको रैबिट जैसा दिख रहा है? रैबिट जैसा दिख रहा है कि नहीं? यस यस बोलो फटाफट, रैबिट जैसा दिख रहा है? तो बस रैबिट जैसा एकदम तेज भागता है, तुमको भी वैसी अपनी प्रैक्टिस तेज भगानी है एकदम, और फटाफट साइन करते जाना है ऑन बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट, ठीक है। फटाफट से तुमको भी ऐसी रैबिट जैसे तेज भगाना है, अपनी साइन करते जानी है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट, और ये तुम्हारे क्लॉज 12 में आ जाओगे। अगर तुम कोई और बंदे को तुम्हारे भी आप में साइन करने दे रहे हो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट, अच्छा एकदम ही बकवास लग रहा हो ये तुमको क्लॉज 12 याद करने के लिए कि क्या बता दिया ये, तो इससे अच्छा मैं नहीं करूँ, तो फिर तुम ऐसे याद कर लो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट। बताओ कितने लेटर है ये, गिन के बताओ फटाफट कितने लेटर है? 12, राइट। सो शेड्यूल्ड 1 पार्ट 1 के क्लॉज 12 में तुमको ये 12 लेटर की चीजें याद रखनी कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट में तुमको ही साइन करना है। अगर तुम किसी और बंदे को साइन करने के लिए दे रहे हो, जो कि एक्सेप्शन अपन पढ़ेंगे किसको अगर अलाउ कर सकते हो, अगर किसी और को कर रहे हो अलाउ तुम साइन करने के लिए, तो तुम गिल्टी हो जाओगे कहाँ पे, क्लॉज 12 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1। तो आई होप यू आर एबल टू रिकॉल ऑल दी क्लॉज नंबर। क्विकली रिकॉल करते अपन, रिवाइज करते। 1 गन, गन से मैंने क्या बोला, नाम। 1 से मैंने क्या बोला, गन से मैंने क्या बोला, नाम। नाम बता, गन से मैंने नाम पूछा। तो नाम तुम यूज करने नहीं दे सकते हो, अपने प्रैक्टिसिंग फर्म का नाम तुमको यूज करने नहीं देना है। 2 शू, शू के लिए पेमेंट। 3 फ्री, फ्री में कुछ भी आए एक्सेप्ट कर लिए, रिसीव कर लिए, ऐसा नहीं। 4 4 बोतल वोडका, 4 बोतल वोडका पीने से क्या होगा, तुम्हारी जितनी रिलेशनशिप है वो सारी जाएगी, हाँ सॉरी पार्टनरशिप। 5 सिक्योर, राइट। सो सिक्योर कर रहे हो तुम बाय एनी मीन्स विच इज नॉट ओपन टू सीए, कोई भी प्रोफेशनल बिजनेस को सिक्योर कर रहे हो तो तुम गिल्टी हो जाओगे अंडर क्लॉज 5। 6 सॉलिसिट्स। 7 हेवन, हेवन, हेवन में क्या, राइट। तो प्रोफेशनल अटेनमेंट में जा जाके अपने हेवन में, मैं तो हेवन में जाऊंगा ऐसी प्रोफेशनल अटेनमेंट करना, अगर गिल्टी हो जाएगा। 8 कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करना है तुमको विद द प्रीवियस ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ द अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर। 9 राइट, एंड देन तुम्हारा क्या हो गया 10 11 12। 10 11 12 बताओ। इज कंटिंजेंट अपॉन रिजल्ट, बैट एंड बॉल जैसा। 11 जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अलाउ नहीं है करना, बिजनेस अलाउ करना अलाउड नहीं है, बिजनेस अदर देन, लेकिन अपने को करना अलाउड नहीं है, ठीक है। एंड क्लॉज 12 तुम्हारा कैसे, रैबिट लाइक, अपने को भी अपनी प्रैक्टिस फटाफट से साइन करते जाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ये तुम्हारा क्या हुआ, ओवर शेड्यूल एक बार 12 क्लॉजेस का अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 1 और क्लॉज नंबर याद हुए एक बार के लिए, तो एक बार के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कोई भी क्लॉज आएगा, चाहे शेड्यूल के अंदर, पार्ट के अंदर, क्लॉज के अंदर और भी बहुत सारी चीजें टॉपिक दी हुई है, जैसे कि शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 2 के अंदर तुमको गुडविल का टॉपिक दिया होगा कि क्या तुम अपनी गुडविल बेच सकते हो क्या। अब गुडविल बेचने के साथ तुम अगर शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 2 का रेफरेंस नहीं डालोगे तो एक दो नंबर तुम्हारे कट जाएंगे। तो गुडविल के ऊपर क्वेश्चन है, तो गुडविल का तो तुमको लिखना ही है अंदर का, लेकिन इसके साथ साथ तुमको क्लॉज का भी रेफरेंस देना है और उसकी लैंग्वेज भी पूरी देनी है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर द क्लॉज नंबर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ऑल्सो एग्जैक्टली नो द लैंग्वेज ऑफ द क्लॉज, सो डेट पटाख से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो तुम उसको एक बार पहले तो स्टार्टिंग विद द आंसर किससे करो, शेड्यूल पार्ट एंड क्लॉज से एंड उसकी लैंग्वेज। अब आ जाओ शेड्यूल 2 का पार्ट 1, अपना मेन इंपॉर्टेंट दूसरा क्या था, शेड्यूल 2 का पार्ट 1 जिसमें 10 क्लॉज है। बस अगर ये हो गया तो 10 बस के बाद क्या होगा, अपने 22 क्लॉज तो हो ही जाएंगे खत्म, आउट ऑफ 33 क्लॉज 22 तो हो ही जाएंगे। तो देखो शेड्यूल 2 पार्ट 1 में तुमने स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी, स्पाइडरमैन मूवी में मैरी जब किस करती है तो स्पाइडरमैन उससे एक किस मांगता है, एक किस मांगता है बोले तो क्या हुआ ये 21 यानी 21 बोले तो शेड्यूल 2 पार्ट 1। जब किस करने के लिए जाती है मैरी तो देखो क्या कर रहे हैं वो, अपना फेस डिस्क्लोज कर रहे हैं, राइट तो तुमको इंश्योर करना है कि भैया कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी है, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन तुमको डिस्क्लोज नहीं करनी है जो कि तुमने क्लाइंट से ली है और जो कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसके बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, बट शेड्यूल 2 का पार्ट 1 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शेल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो डिस्क्लोज करता है कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि उसको ड्यूरिंग हिज प्रोफेशनल एंगेजमेंट एक्वायर हुई थी फ्रॉम द क्लाइंट। जो भी तुमको क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन मिल रही है तुम अपने पास रखो और क्लाइंट की कंफर्मेशन से या जो भी एज सच एक्सेप्शन है वो अपन देखेंगे, बट उसके अलावा अगर तुम डिस्क्लोज कर देते हो तो तुम गिल्टी हो जाओगे, ठीक है। तो मैरी इसको डिस्क्लोज कर ही रही थी, इसका फेस डिस्क्लोज कर ही रही थी, लेकिन क्या स्पाइडरमैन अपना फेस डिस्क्लोज करने देगा क्या, स्पाइडरमैन का फेस डिस्क्लोज होना चाहिए क्या, नहीं, राइट तो स्पाइडरमैन का फेस डिस्क्लोज ही नहीं करने दे रहा था तो मैरी किस नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैरी ने स्पाइडरमैन को ढकेल दिया बिल्डिंग से। और क्या स्पाइडरमैन मर जाएगा, तो स्पाइडरमैन मर गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उसकी शक्ति उसने खो दिया था तुमको याद होगा मूवी में, तो उसी समय मैरी ने उसको क्या किया, फेंक दिया। एंड अब डॉक्टर उसको क्या कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, डॉक्टर उनको क्या कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं और विदाउट एग्जामिनेशन उसने उसको क्या बोल दिया, डेड, मरा हुआ घोषित कर दिया, डेड, स्पाइडरमैन को डेड बोल दिया। तो देखो यहाँ पे क्या बोलना है अपन को, तुमको एग्जामिन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद ही तुमको अपना ओपिनियन देना है। तुमको विदाउट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ओपिनियन दे दिए तो तुम गिल्टी हो जाओगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। विदाउट एग्जामिनेशन मैंने अपना ओपिनियन दे दिया तो भाई मेरे को अब डाउट हुआ क्या ये डॉक्टर पागल है, विदाउट एग्जामिनेशन ओके राधा, क्लॉज 4 ऑफ पार्ट 1 बोल रहे हो क्या, क्लॉज 4 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 लेट मी नो। सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि क्लॉज 3 में विदाउट एग्जामिनेशन सिंस द डॉक्टर declared him dead, therefore now we are doing vouching for all his actions। जो डॉक्टर जो भी करते हैं हम उसको वाउच करेंगे। एंड देन एक बार स्टोरी देख लेते हैं, वाउच करेंगे तो हमने उसको बोला कि क्या तुम अपने बाकी फैमिली के साथ भी ऐसी करते हो क्या, जो अपना नॉर्मल डायलॉग होता है ना वो टीचर्स जनरली डायलॉग देती है, क्या तुम अपने घर में भी ऐसी करते हो, कचरा ऐसी फैलाते हो, राइट जो स्कूल में अपन को दिया जाता था। सिमिलरली हमने भी डॉक्टर को सेम डायलॉग बोला कि क्या तुम अपने घर वालों के साथ भी ऐसी करोगे, बिना एग्जामिन किए क्या उनको भी घर में मरा हुआ घोषित कर दोगे, तो देखो ये फैमिली ट्री है। तो डॉक्टर एकदम हंसने लग गया, ये दिख रहा है तुमको हंसते हुए, उसने बोला क्या बताऊं मैं तुमको बता ही नहीं सकता। ही फेल्स टू डिस्क्लोज, फेल टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट, वो बोल रहा है कि क्या बताऊं मैं तुमको बता ही नहीं सकता। मेरे को मोबाइल में एक बार क्या मिल गया, MMS, एक क्लाइंट के मोबाइल में क्या मिल गया, MMS में अगेन तुमको ये याद रखना ये अपना चेक पॉइंट है, ये MMS में तुमको वही मिला जो अपना शेड्यूल 1 पार्ट 1 के क्लॉज 6 में था, सिक्सर, राइट सो MMS में तुमको अब ये जो मिल गया है तो अब तुमको ये कोशिश करनी है क्या, तुम आगे अब टेंशन में कि अब ये MMS मिल गया ये लीक ना कर दे डॉक्टर। तो उसके बाद डॉक्टर गया पार्टी में उसने सबको इनवाइट किया और बताया कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन देनी है और उसने टिंग 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 बजाई घंटी सॉरी ग्लास। एंड देन जब वो बताने ही जा रहा था तभी मैंने क्या किया, उसका फट से मोबाइल पकड़ा और धां से तोड़ दिया। ना रहेगा एमएमएस, ना रहेगी बांसुरी। तो ये जो उसने मोबाइल तोड़ा मैंने उसका, तो उसने मेरे से क्या मांगे, पैसे। मोबाइल तोड़ा तो पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने हंसी खुशी ले ली, ये ले भाई पैसे ले, लेकिन अब एमएमएस को मत कहीं लीक करना। तो देखो एक बार स्टोरी क्लियर है क्या? स्टोरी सिंपल है। मैरी किस करना चाह रही थी बट स्पाइडरमैन डिस्क्लोज नहीं करने दे रहा था, तो मैरी ने उसको फेंक दिया। मैरी ने उसको फेंक दिया नीचे, तो डॉक्टर ने विदाउट एग्जामिनेशन उसको डिक्लेयर घोषित कर दिया डेड। तो हमने बोला कि भैया अब तो तुम्हारे सारे एक्शन जो है हमको वाउच करने पड़ेंगे। तो हमने बोला क्या तुम ऐसी करते हो अपने फैमिली मेंबर्स के भी साथ? तो डॉक्टर एकदम हंसने लग गया, क्या बात बताऊं मैं तुमको, एक चीज तो मैं बता ही नहीं सकता। क्या हुआ एक बार कि मुझे मोबाइल में एमएमएस मिल गया, और ये मोबाइल में जो एमएमएस मिल गया तो वो अब मैं आ गया टेंशन में। टेंशन में आ गया तो सामने डॉक्टर गया पार्टी में बताने के लिए, मैंने उससे मोबाइल छीना और फट से तोड़ दिया। एंड तोड़ने के बाद उसको पैसे भी दे दिए। तो ये अपने एक बार के लिए लिंक हो गया। एक बार देखो क्विकली अपन रिकॉल कैसे कर सकते हैं। वाउच से अपन थे यहाँ पे। वाउच में तुमको याद रखना है कि अगर तुम अपने फर्म का नेम या खुद का नाम कोई भी ऐसी एंगेजमेंट में यूज करने के लिए दे रहे हो जो कि कंटिजेंट एंगेजमेंट है। कंटिजेंट एंगेजमेंट ऐसे जैसे कि अगर मान लो लोन देना है तुमको, और लोन के केस में तुमको पता होगा क्या कि अगले 5 साल अगले 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रोजेक्टेड देते हैं। तो क्या ये असली में रियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? नहीं, दीज आर प्रोजेक्टेड। कैन दिस बी फ्लक्चुएटिंग विद दी बजटेड एक्चुअल, और बजटेड में फ्लक्चुएशन हो ही सकता है, राइट? सो वी कांट सर्टिफाई। ये हम सर्टिफाई कैसे कर सकते हैं कि यही सही है? क्या तुम भगवान हो? नहीं, तुमको कैसे पता फ्यूचर क्या है? तो उस केस में ऐसी कोई भी कंटिजेंट अर्निंग्स एस्टीमेट तुम उसके लिए अपना नाम परमिट कर रहे हो अगर सर्टिफाई करने के लिए, एंड तुम वाउच कर रहे हो अगर एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर वाउचिंग फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट देन यू विल बी हेल्ड जीपीएम। तो इसीलिए जब भी लोन के लिए अपन देखेंगे तो एसएई 3400 जो कि अपने सिलेबस में भी है वो अपन कवर करेंगे कि तुमको प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होती है जैसे लोन वगैरह के लिए जो एंगेजमेंट होते हैं उस केस में तुमको क्या करना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोजेक्टेड पे सर्टिफाई भी करना पड़ता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को, राइट? तो उस केस में जब तुम सर्टिफाई करोगे तो तुमको बताना है कि ये अजम्पशन के बेसिस में बनाए गए हैं, ये बेसिस ऑफ अजम्पशंस है, इसमें ये फोरकास्टिंग की गई है, एंड अल्टीमेटली तुमको सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। एंड तुमको बोलना पड़ेगा कि आई एम नॉट वाउचिंग फॉर द फोरकास्ट, ये जो फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आई डू नॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ दिस फोरकास्ट। अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसे ही 3400 का फॉलो नहीं करते हो, तो तुम क्या हो जाओगे, जीपीएम अंडर क्लॉज 3 ऑफ पार्ट 2 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 2। इसके बाद अपन ने देखा कि क्या फैमिली के साथ भी तुम ऐसे ही करते हो। तो फैमिली से तुमको याद रखना कि रिलेटिव, अगर तुम किसी रिलेटिव के बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते हो तो भी तुम जीपीएम हो जाओगे, क्योंकि रिलेटिव के बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो तुम्हारा और उसका एक कनेक्शन हो गया। तो वो तुमको बोलेगा कि ये मॉडिफाइड ओपिनियन मत दो, तो तुम बोलोगे कि ठीक है मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकता, आखिर है तो मेरा साला, राइट? सो घर जाने से दिक्कत हो जाएगी, इसलिए तुमको यहाँ पे क्या बोल दिया कि रिलेटिव के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर तुम ऑडिट करते हो अगर, तो यहाँ पे जीपीएम हो जाओगे। देन इसके बाद मैंने क्या बोला, डॉक्टर हंसते हंसते बोला कि मैं तुमको क्या बताऊँ, एक बात तो मैं बता ही नहीं सकता। एक बात उसने बताई ही नहीं मुझे। फिर फेल टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट, अगर उसने तुमको मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया, अगर कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फेल हो जाता है डिस्क्लोज करने में मटेरियल फैक्ट जो कि उसको पता है नोन टू हिम एंड नॉट डिस्क्लोज इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अगेन वो गिल्टी हो जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का। इसके अलावा मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फेल टू रिपोर्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अगर उसको एमएमएस मतलब क्या बोलते हैं अपन, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एमएमएस मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर तुमको कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और तुम उसको रिपोर्ट नहीं करते हो तो भी तुम गिल्टी हो जाओगे अंडर क्लॉज 6। तो क्लॉज 6 में मैं ये अपना क्या हो गया, एक अपना बेंचमार्क क्लॉज हो गया, क्योंकि क्लॉज 6 से तुमको याद आ जाएगा कि 6 से तो ये एमएमएस वाला क्लॉज था, एमएमएस के ऊपर अपने को डॉक्टर हंस रहा था ये याद आ जाएगा, और डॉक्टर हंसने के ऊपर क्या याद कर रहा था, अपन रिलेटिव की बात कर रहे थे कि क्या तुम उसके रिलेटिव के साथ भी, अपने डॉक्टर रिलेटिव के साथ भी ऐसे करते हैं क्या। 6 के बाद अपन टेंशन में आ गए थे, तो तुमको टेंशन वाला याद होगा कि ड्यू डिलीजेंस और इतना ग्रॉसरी नेग्लिजेंट में कैसे हो सकता हूँ, इतना ग्रॉसरी नेग्लिजेंट में कैसे हो सकता हूँ, टेंशन में आ गया मैं, कितना ड्यू डिलीजेंस किए बिना मैं ग्रॉसरी नेग्लिजेंट हुए बिना कैसे हो सकता हूँ। ये तुम्हारा हो गया शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 7। एंड देन अल्टीमेटली 8 में तुम्हारा हो गया, अगर तुम सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन जो तुमको ऑब्टेन करनी चाहिए थी वो तुम अगर नहीं कर सकते हो, यहाँ पे मैंने बताया ना कि इन्फॉर्मेशन मैं लीक करने जा रहा था, तो उससे तुमको क्या याद आना चाहिए कि सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन तुमको ऑब्टेन करना है without which if you provide your opinion, if you express your opinion without obtaining sufficient information, then you will be held guilty of professional misconduct. And lastly फिर मैंने क्या बोला कि जैसे वो बताने जा रहा था तो मैंने उसका मोबाइल तोड़ दिया। मोबाइल तोड़ दिया तो क्या उसका मटेरियल डिपार्ट हो गया, मटेरियल का डिपार्चर हो गया ना बेचारा। डिपार्चर मतलब क्या, गया गया वो आदमी, डिपार्चर मटेरियल डिपार्चर हो गया, मोबाइल की हत्या हो गई। एंड इसलिए उसको मैंने क्या दिया, पैसे। फेल्स टू कीप मनी ऑफ हिज क्लाइंट। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो क्लाइंट है, अगर मान लो क्लाइंट मुझे कोई पैसा देता है मेरे को सेफ कीपिंग के लिए या कस्टडी के लिए कि भैया ये पैसा 3 महीने के लिए संभाल के रखना, 3 महीने बाद एडवांस टैक्स आएगा ना उसमें पेमेंट कर देना, एडवांस टैक्स का पेमेंट कर देना, आरओसी फीस पटा देना यही से, और यहाँ से जो जो तुमको स्टैट्यूटरी फीस भी लगेगी वो भी तुम पटा देना, इस टाइप का कुछ भरोसा करके उसने मेरे को पैसे दिए और वो पैसे मैंने लगा दिए इक्विटी मार्केट म्यूचुअल फंड वगैरह में, बढ़िया पैसे कमा रहा हूँ। 3 महीने बाद निकाल के विड्रॉ करके फिर मैं यहाँ पे उसका शेड्यूल स्टैट्यूटरी फीस जो है वो पे कर रहा हूँ। तो ये सब नहीं करना है तुमको। अगर कोई पैसा मिला है क्लाइंट का तो तुमको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है। इस रिलेटेड बातें अपन पढ़ेंगे शेड्यूल 1 पार्ट 1, शेड्यूल 2 पार्ट 1 के क्लॉज 10 में। आई होप एक ओवरव्यू मिल गया होगा तुमको शेड्यूल 2 का पार्ट 1 का भी, राइट, शेड्यूल 2 पार्ट 1 के 10 क्लॉज। एंड आई होप यू आर ऑल्सो एबल टू रिकॉल ऑल द क्लॉज नंबर। एक बार क्विकली कोशिश करते हैं, सोचो मेरे साथ साथ। सबसे पहले क्या था, शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 1, शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 1 Disclose information related to client. Disclose नहीं करना है, right? Disclose करने जा रहा था मैं तो disclose नहीं करने दिया, तो क्या किया, Opinion without examination. Examination, right? So without examination अगर तुमने डेड घोषित कर दिया था डॉक्टर ने, तो अब हमने उसका फिर क्या किया, डॉक्टर का वाउचिंग, राइट? सो अगर तुम बिना कंटिजेंट इंफॉर्मेशन जो भी रहती है तुम्हारी, कंटिजेंट एस्टिमेट रहते हैं उस पर अगर तुम एक्यूरेसी के ऊपर वाउच करते हो तो तुम जीपीएम हो जाओगे। इसके बाद क्या हुआ, हमने क्या बोला, रिलेटिव का बिजनेस, रिलेटिव के साथ भी ऐसा करते हो, रिलेटिव के साथ भी तुम यही करते हो क्या, तो रिलेटिव का फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर तुम ऑडिट करोगे, ओपिनियन दोगे उसके ऊपर तो भी तुम जीपीएम हो जाओगे। इसके अलावा फिर डॉक्टर तो हंसते हंसते क्या बोला, फेल टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट, राइट? ही फेल्स टू डिस्क्लोज द मटेरियल फैक्ट नोन टू हिम। उसको पता था, नोन टू हिम, इट इज अवेलेबल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट उसने डिस्क्लोज नहीं किया। क्या डिस्क्लोज नहीं किया था, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसने डिस्क्लोज नहीं किया। टेंशन में कौन आ गए अपन, ड्यू डिलिजेंस कैसे हो सकता हूं मैं, और हां राइट, इतना ग्रॉसली नेग्लिजेंट मैं कैसे हो सकता हूं। अब वो जा रहा है इन्फॉर्मेशन सबको बताने के लिए, तो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन किए बिना अगर मैं अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता हूं तो मैं कहां गिल्टी हो जाऊंगा, क्लॉज 8 ऑफ पार्ट 2। एंड लास्टली लास्ट 2 क्लॉज से तुम्हारे मटेरियल डिपार्चर, अगर तुम कोई भी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग या जनरली स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उससे तुम डिपार्ट करके ऑडिट करते हो, मतलब उसके डेविएशन में तुम उसका फॉलो नहीं करते हो, तुम उसके एक्सेप्शंस में जाके ऑडिट कर रहे हो तो तुम गिल्टी हो जाओगे। एंड लास्टली तुम पैसे, अगर क्लाइंट के पैसे अगर तुम एक्सेप्ट करके शेड्यूल अकाउंट में डालना चाहिए जो, वो तुम अगर नहीं डालोगे तो भी तुम जीपीएम हो जाओगे। कुछ एक्सेप्शन है जो कि अपन कवर करेंगे डिटेल में शेड्यूल 2 के पार्ट 1 के क्लॉज 10। तो आई होप शेड्यूल 1 का क्लॉज 12 एंड शेड्यूल 2 के पार्ट 1 का क्लॉज 10 सारे अपने को अभी एक बार के लिए ओवरव्यू के साथ क्लॉज वाइज याद हो गए हैं। क्विकली अब एक बार आ जाओ बाकी क्लॉज में, अपन देखते हैं जो पार्ट 2 है तुम्हारा। तो जो पार्ट 2 है ना शेड्यूल 1 का जो पार्ट 2 है वो सेम यही 2 पार्ट है, यही 2 क्लॉज है। दैट इज, ये सतीश मैं तुमको ये वाली पीडीएफ एक बार फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में, ये वाली पीडीएफ मैं तुमको फॉरवर्ड कर ही देता हूँ। अच्छा मैं क्लियर करके फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है? मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगा तुरंत क्लास के बाद, तुम इसको नोट कर सकते हो, नोट करना है तो, प्रिंट निकलवाना है तो प्रिंट निकलवा सकते हो जैसे भी, राइट? सो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये जो 2 क्लॉज है इसके, पेमेंट बेसिस और रिसीविंग बेसिस, तो यही एम्प्लॉई के लिए है, सेम एम्प्लॉई के लिए भी सेम यही क्लॉज है जो अपन पढ़ेंगे शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में जो 2 क्लॉज है। फिर पार्ट 3 में जो 3 क्लॉज है उसमें तुम कैसे याद रखोगे मैं बता दूं, एफ 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 बोले तो FCA, fail, false। इसमें तुमको क्या दिख रहा है, क्या क्या बढ़ते जा रहा है, क्या एक एक लेटर बढ़ते जा रहा है, हर वर्ड में एक एक लेटर बढ़ते जा रहा है, राइट? FCA में 3 था, इसमें 4 हो गए, इसमें 5 हो गए। तो याद रखना है FCA फेल फॉल्स। तो अगर तुम FCA नहीं हो और तुम अपने आप को FCA बता रहे हो तो तुम गिल्टी हो जाओगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 3 क्लॉज 1। तो शेड्यूल 1 पार्ट 3 क्लॉज 1 में क्या बोलता है कि अगर तुम एसोसिएट मेंबर हो, फेलो मेंबर नहीं बने हो अभी तक। फेलो मेंबर बोले तो फेलो मेंबर तुम तब बनते हो जब तुम 5 साल कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हो, 5 years ऑफ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस अगर तुम्हारे पास है तो देन यू विल बी कॉल्ड एज व्हाट, फेलो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसके पहले तुम क्या हो, ACA एसोसिएट मेंबर। तो अगर तुम FCA बताते हो अपने आप को ऑल्दो यू आर एन ACA तो यू विल बी हेल्ड GPM अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 3 क्लॉज 1। फेल अगर तुम ICAI को कुछ इन्फॉर्मेशन देने से फेल हो जाते हो तो तुम गिल्टी हो जाओगे यहाँ पे। और इसके अलावा फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर तुम देते हो टेंडर में या जहाँ जहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए अलाउड है तुमको, जहाँ जहाँ एडवर्टीजमेंट करने के लिए अलाउड है तुमको और वहाँ एडवर्टीजमेंट करते करते तुमने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी तो तुम गिल्टी का हो जाओगे शेड्यूल 1 के पार्ट 1 पार्ट 3 के क्लॉज 3 में। तो ये कौन सा हो गया फेल वाला, 3(2) बोले तो पार्ट 3 क्लॉज 2 और ये कौन सा हो गया पार्ट 3 क्लॉज 3। इसके अलावा लास्ट क्लॉज जो है अपना, लास्ट पार्ट जो है पार्ट 4 उसमें 2 क्लॉज है। पहला क्लॉज बोलते हैं कि अगर तुम 6 मंथ से कम में कहीं भी ऑफेंस में डिफॉल्ट अगर गिल्टी पाए जाते हो बाय एनी कोर्ट, राइट, सो यू विल बी हेल्ड GPM ईयर। एंड अगर तुम डिसरेप्यूट पहुंचाते हो इंस्टीट्यूट को तो तुम यहाँ पे शेड्यूल 1 के पार्ट 4 के क्लॉज 2 में गिल्टी पाए जाओगे, ये भी अपन देखेंगे। एंड शेड्यूल 2 का पार्ट 2 जो है उसमें 4 क्लॉज है। पहला क्लॉज बता दूँ तुम्हारा, बोलता है कि CA एक्ट का कोई भी रूल्स या CA रूल्स या रेगुलेशन या गाइडलाइन जो अपन पढ़ने वाले हैं ना, काउंसिल जनरल गाइडलाइन हो गया, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजन हो गए, ये तुम ये सब अगर फॉलो नहीं करते हो तो तुमको कहाँ पे गिल्टी पाया जाएगा, शेड्यूल 2 के पार्ट 2 के क्लॉज 1 में। शेड्यूल 2 के पार्ट 2 के क्लॉज 2 में तुमको पाया जाएगा गिल्टी। ये जैसे 3(2) था ना, इसका उल्टा कर लो। 3(2) क्या था बताओ मेरे को, 3(2) क्या था, पार्ट 3 का क्लॉज 2। शेड्यूल 1 का पार्ट 3 का क्लॉज 2 क्या था, पार्ट 3 में क्या क्या था, FFF में फेल वाला, फेल, राइट, फेल टू डिस्क्लोज मटेरियल इन्फॉर्मेशन टू द इंस्टीट्यूट, राइट। सो सिमिलरली फेल होगा अगर तुमने बताया ही नहीं तो तुम कहाँ गिल्टी हो रहे हो, 3(2) में। अगर तुमने बताया लेकिन गलत बताया, तो तुम गिल्टी का होगे 2(3) में, शेड्यूल 2 के पार्ट 2 के क्लॉज 3 में, उल्टा कर दो, ठीक है। 3(2) में कब गिल्टी हो गए, अगर तुमने बताया नहीं। 2(3) में गिल्टी होगी अगर तुमने बताया लेकिन गलत बताया। सिमिलरली अगर तुम यहाँ पे फेल टू डिस्क्लोज एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन, सॉरी पार्ट 2 CA एक्ट हो गया, 2(3) हो गया, हाँ। एंड देन ये 2(2) है ना, ये 2(3) अपने, मैंने तुमको 2(3) बता दिया। 2(2) जो है अपना, 2(2) है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एक डिस्क्लोज कर नहीं सकता इंफॉर्मेशन। तो जो इम्प्लॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो अगर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है इम्प्लॉय तो 2(2) मे को ये अपन देखेंगे, 2(2) से याद करना अपने को, 2(2) डिस्क्लोज नहीं करेगा। एंड लास्ट में 4th अपना है पार्ट 2 का CA एक्ट पार्ट 2 का क्लॉज 4। मेरे को भी याद आ नहीं रहा है, लास्ट क्लॉज था, राइट, हाँ। तो तुम प्रोफेशनल कैपेसिटी में डिफॉल्केट करते हो, एम्बेजल करते हो मनी, तो तुम यहाँ पे आ जाओगे क्लॉज 4 में। और तुम बीइंग एन एम्प्लॉय अगर कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देते हो तो अपन को याद कैसे रखना है, 2(2) कोई डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन नहीं करना है। शेड्यूल 2 का पार्ट 2 का क्लॉज 2, शेड्यूल 2 का पार्ट 2 का क्लॉज 2 तुमको कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना है। और ये जो क्लॉज 4 है ये ऐसा जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, एकदम एक लाइन का क्लॉज है और इससे रिलेटेड आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है। बट जस्ट डेट रिमेंबर, कोई MCQ में आ गया तो डिफॉल्केट्स और एम्बेजल अगर तुम मनी करते हो प्रोफेशनल कैपेसिटी में तो तुम कहाँ पे आ जाओगे, शेड्यूल 2 के पार्ट 2 के क्लॉज 4 में। तो आई होप एक बार ओवरव्यू मिल गया है। क्विकली अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। मैंने जो जो बताया सारे क्लॉजेस, पार्ट 1 के 12 क्लॉज मैंने बताया। क्लॉज 1 क्या था, नेम। क्लॉज 2 पेमेंट, पे और एग्री टू पे, अलाउ और एग्री टू अलाउ, राइट। पार्ट 1 का क्लॉज 3 रिसीव कर रहा हूँ अगर मैं, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एग्री और एक्सेप्ट, राइट। 4 पार्टनरशिप बेसिस में, अगर मैं पार्टनरशिप में एंटर करूँ किसी और बंदे के साथ हु इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइव सिक्योर कर रहा हूँ अगर मैं, बाय एनी मीन विच इज नॉट ओपन टू एनी प्रोफेशनल बिजनेस सिक्योर नहीं कर सकता। सिक्स सॉलिसिट्स कर रहा हूँ अगर मैं, बाय पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यार लेटर, इंटरव्यूज वगैरह के थ्रू। फिर तुम्हारा हो गया सेवन हेवन प्रोफेशनल अटेनमेंट, प्रोफेशनल अटेनमेंट एडवर्टाइज कर। एट कम्युनिकेट प्रीवियस ऑडिटर, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट एज एन ऑडिटर। 9 139 140 10 fees contingent upon results, right, fees contingent upon results of the end result या फिर contingent upon any other thing, उसके ऊपर तुम fees है तो 11 business other than professional, other than so business related to CA, other than chartered accountancy, कोई भी धंधा पानी में आए हो तो गिल्टी हो जाओगे। एंड लास्टली 12 साइन करो तो और बंदे को साइन, बैलेंस शीट, पीएनएल, फाइनेंशियल बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिपोर्ट, तो उस केस में तुम गिल्टी हो जाओगे अंडर क्लॉज 12। पार्ट 2 के दो क्लॉज देखा था अपन ने, जो पार्ट 1 के क्लॉज 2 और 3 था वही तुम्हारा क्या हो गया पार्ट 2, एफसीए फॉल्स फेल्स। नो वो तो पार्ट 3 है, पार्ट 2 का मैं बोल रहा हूं पे एक्सेप्ट एम्प्लॉई चार्टर्ड अकाउंटेंट और एम्प्लॉई अगर पे कर रहा है, सिमिलरली कुछ उसको सैलरी का कुछ शेयर अगर वो किसी और को शेयर कर रहा है, जो कि अपन डिटेल में देखेंगे, और या तो रिसीव कर रहा है। मैंने तुम्हारी मान लो कई जगह एम्प्लॉयमेंट लगाई, तुम्हारी जॉब लगाई और तुम्हारे से मैं पैसे ले रहा हूँ, अगर वो जॉब लगाने के पहली मंथ की सैलरी मैं ले रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ। सिमिलरली व्हाट वी लर्न इन व्हाट शेड्यूल 1 का पार्ट 1 के क्लॉज 2 और 3 में, वो यहाँ के तुम्हारा क्लॉज 1 और क्लॉज 2 हो जाएगा, पे और रिसीव। देन तुम्हारा पार्ट 3 क्या है, एफ 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 बोलो, पहला एफ एफ फेल तुम दे रहे हो कोई टेंडर में या जहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट तुमको अलाउड है शेड्यूल 6 और 7 में, सॉरी क्लॉज 6 और 7 में जहाँ पे अलाउड है, लेकिन तुम फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो तुम गिल्टी हो जाओगे। पार्ट 4 में दो क्लॉज थे तुम्हारे, दो क्लॉज कौन कौन से थे, लेस देन 6 मंथ वाला और एक डिसरेप्यूट वाला, इंस्टीट्यूट को डिसरेप्यूट पहुंचाओगे। पार्ट 1 के अब अपन आते 10 क्लॉज में, पार्ट 1 के 10 क्लॉज क्या थे, सबसे पहला Disclosing client information. Disclose client information. Disclose कर रहे हो without communicating with the client. Confirmation from the client. Yes. Right? तुम्हारा second क्या था फिर? Without examining the financial statements. Then उसके बाद watching all the accuracy. Vouching for the accuracy of the forecast of a estimate engagement. तुम ऐसे engagement में involve हुए हो जहाँ पे estimation involved है और तुम वहाँ की accuracy जो forecast है उसकी accuracy पे vouch कर रहे हो तो तुम guilty हो जाओगे। Fourth, relative business के financial statement का तुम audit कर रहे हो तो तुम guilty हो जाओगे। Five, fail to disclose material information. Six, मटेरियल इन्फॉर्मेशन, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दोनों पे अपन चर्चा करेंगे, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, लेकिन अभी के लिए याद क्या करो 5 और 6। 5 में डिस्क्लोज अपन नहीं किया मटेरियल इन्फॉर्मेशन टू मी एंड मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो मैंने डिस्क्लोज करना फेल कर दिया वो मैं कहा था शेड्यूल 2 के पार्ट 1 की क्लॉज 6 एंड देन 7 ग्रॉसली नेग्लिजेंट। इतना बुलकर मैं ड्यू डिलिजेंस के बिना कैसे मैं कर सकता हूँ, ग्रॉसली नेग्लिजेंट कैसे हो सकता हूँ। 8 obtain sufficient information, without obtaining sufficient information I cannot express my opinion, sufficient information के बिना मैंने opinion express की तो मैं guilty हो जाऊंगा clause 8 में। 9 material departure अगर तुम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह से अगर डिपार्ट हो जाते हो और तुम अपना ओपिनियन देते हो उसके विदाउट अडहेरिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड ऑल, तो उस केस में तुम क्लॉज 9 में गिल्टी हो जाओगे। एंड लास्टली क्लॉज 10 मनी ऑफ द क्लाइंट, जो तुम्हें तुम उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर लोगे तो भी गिल्टी हो जाओगे। फिर आ जाओ शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में क्लॉज 1 क्लॉज 1 CA एक्ट और शेड्यूल 2 के पार्ट 2 का क्लॉज 1 याद रखना। सबसे पहले कौन आएगा हमारे लिए, सबसे प्रायोरिटी क्या है हमारी, CA एक्ट, राइट। हमारी तुम्हारे सबके लिए CA एक्ट होनी चाहिए, अभी प्रायोरिटी CA ही है तुम्हारी अभी प्रायोरिटी तो फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, राइट। सेकंड 2 शेयर मत करेगा, एम्प्लॉई को बोलना क्या तू एम्प्लॉई डिस्क्लोज करेगा क्या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। 3 बोले तो पार्ट 2 का मगर गलत बताया लेकिन गलत बताया टू द इंस्टीट्यूट एंड तुम्हारा 4th हो गया दिसंबर 24 डिफॉल्केट कर रहे हो एम्बेसल कर रहे हो तुम मनी ऑफ द इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी राइट। और तुम्हारा फिर लास्ट आ जाता है लास्ट क्लॉज तुम्हारा मोर देन 6 मंथ जो तुम्हारा पार्ट 4 का क्लॉज 1 था ना। पार्ट 4 का क्लॉज 1 क्या था शेड्यूल 1 का पार्ट 4 का क्लॉज 1 तुम अगर लेस देन 6 मंथ के लिए गिल्टी पाए जाते हो कोई कोर्ट के द्वारा तो तुमको यहाँ पे गिल्टी किया जाएगा शेड्यूल 1 के पार्ट 4 के क्लॉज 1 में। और अगर तुम मोर देन 6 मंथ के लिए गिल्टी पाए जाते हो तो तुम यहाँ पे आ जाओगे कहाँ पे शेड्यूल 2 के पार्ट 4 थर्ड में सॉरी पार्ट 3 शेड्यूल 2 के पार्ट 3। चले अब अपन लेट्स मूव टू क्लॉज बाय क्लॉज एक एक क्लॉज करते जाते हैं उसके रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होंगे वो भी अपन फटाफट देखते जाएंगे एंड उससे रिलेटेड फिर जो जो क्वेश्चन आंसर भी होंगे वो भी अपन तुरंत मैं तुमको पूछूंगा तुम लोग आंसर करते जाओगे ठीक है। चले यस सर तो पार्ट 1 अपने को क्या बोलता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। मैंने अभी क्या बताया था तुमको शेड्यूल 1 का जो पार्ट 1 है वो कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एप्लीकेबल है एम्प्लॉई की प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट राइट। तो सारे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अपने को ये लाइन याद करनी है क्या सबसे पहले तो कोई भी क्लॉज चालू करोगे तो क्या बोलोगे अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मतलब हम मान लेंगे कि तुम गिल्टी हो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है अदर मिसकंडक्ट नहीं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इफ क्लॉज 1 क्या बोलता है इफ यू अलाउ एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम अगर कोई और बंदे को अलाउ कर रहे हो अपना नाम यूज करने के लिए टू प्रैक्टिस करने के लिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अनलेस मतलब ये अलाउड है ये लोग को करोगे अलाउ तो तुमको गिल्टी नहीं किया जाएगा। किस किस को मैं अलाउ कर सकता हूँ अनलेस सच पर्सन इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस मतलब CAP होना चाहिए वो एंड मतलब CAP तो होना ही चाहिए प्लस या तो मेरा पार्टनर होना चाहिए या तो मेरा एम्प्लॉय होना चाहिए either is in partnership with me or is either employed by me मतलब मेरे फर्म में या तो मेरा एम्प्लॉई है या तो मेरा पार्टनर है एंड वो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होना चाहिए। ऐसे अगर सामने वाले को तुम अलाउ कर रहे हो प्रैक्टिस करने के लिए तो तुम गिल्टी नहीं होगे। अगर किसी भी और को किया तो तुम गिल्टी हो जाओगे। इज इट क्लियर है तो एक बार ये चार्ट अपन कवर करते हैं तो तुमको समझ में आ जाएगा कि आर यू क्लियर और नॉट। देखो क्या बोलता है अगर तुम नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो क्या मैं इस बंदे को प्रैक्टिस करने के लिए मेरे बिहाफ में अलाउ कर सकता हूँ क्या किसी नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट को? यस और नो? नो सर। नो क्या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है? यस सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट एम्प्लॉई नहीं होना मतलब कुल मिला के चार्टर्ड अकाउंटेंट एम्प्लॉई तो हो ही सकता है बट चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए राइट। तो उसके पास COP होल्ड होना चाहिए प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है और अगर क्या वो मेरा पार्टनर है तो मैं उसको अलाउ कर सकता हूँ क्या? यस सर। एम्प्लॉई है तो अलाउ कर सकता हूँ क्या? यस सर। और अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है लेकिन ना ही वो मेरा पार्टनर है ना ही मेरा एम्प्लॉई है तो क्या अब मैं उसको अलाउ कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकते। एम्प्लॉय तुमको CAP के दूसरा एम्प्लॉय क्यों नहीं बन सकते हो? तुम अपन पढ़ेंगे क्लॉज 10 अदर एंगेजमेंट बिजनेस और उसमें रेगुलेशन दिया हुआ है कि क्या क्या तुमको अदर ऑक्यूपेशन अलाउड है उसमें तुमको दिया हुआ होगा कि तुम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में एम्प्लॉय बनना तुमको अलाउड है, इसमें दिक्कत की क्या बात है। मतलब सीए प्रैक्टिस की ही बात करें अपन, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के लिए क्या क्या चीजें अलाउड है, तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस यू कैन बी एन एम्प्लॉय इन अ प्रैक्टिसिंग फर्म, सीए फर्म। यस यस, एज अ प्रोफेशनली सर्विस दे सकते हो तुम, एंड इवन कईयों की फीस 194J में भी कटती है, तो प्रोफेशनल सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी। अगर एम्प्लॉय है तो 194I में कटेगी, सॉरी 194I बोलता हूँ, 192B राइट। एंड अगर प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है जो कि एम्प्लॉय नहीं है तो 194J। बट प्रोफेशनल सर्विस तुम दे सकते हो, एंड एज एन एम्प्लॉय भी तुमने देखा ही होगा सीएफएम में तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे ही बहुत सारे जो कि एम्प्लॉय बेसिस में होंगे, तुम्हारे पार्टनर थोड़ी ना होंगे तुम्हारे सीएफएम में। यस सर, तो अब एक बार ये समझ में आ गए तो ये क्वेश्चन करो, मई 19 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू गो थ्रू दिस क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाई व्हाट द इशू, व्हाट शुड बी रिटन इन द आंसर। यस, ठीक है, अब सही आ रहा है। बोलो बोलो बोलो, कौन दे रहा है आंसर? He is not employee, so can't practice. सतीश बोल रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस बट नॉट एम्प्लॉई एंड पार्टनर, देयरफॉर ही विल बी गिल्टी। बाकी लोग कोई है जो इसको नॉट गिल्टी बोलना चाहता है? सब लोग अपना आंसर दो, सोचो मत दूसरों के हिसाब से। नॉट एन एम्प्लॉय और पार्टनर। अच्छा, नॉट एन एम्प्लॉय तुमको देवांशु बताओ कहां से पता चल रहा है कि ये एम्प्लॉय नहीं है? सर, he did not get any salary or share, वो सैलरी उसको कोई नहीं मिल रही है। राइट, सो सैलरी नहीं मिल रही, सो एम्प्लॉय है ही नहीं। ऑब्वियसली एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी, एंड उसको शेयर नहीं मिल रहा, मतलब वो मेरा पार्टनर भी नहीं है। पार्टनर नहीं है, राइट। वैसे सैलरीड पार्टनर भी होते हैं बट उसको सैलरी भी नहीं मिल रही है। एंड देन therefore is neither my partner nor my employee although he is a chartered accountant in practice but we will be held GPM अगर हमने उसको अलाउ किया अपने नाम पे प्रैक्टिस करने के लिए। तो देखो तुमको क्लॉज 1 की रेफरेंस के साथ चालू करना है, that a chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he allows any person to practice in his name as a chartered accountant unless such other person is also a chartered accountant in practice and is either in partnership with him or employee, either in partnership with him or an employee, right? The above clause, ये तुम्हारा object है जो clause का मैंने जो ऊपर नहीं किया, लेकिन ये चूंकि आंसर में covered है इसलिए objective of the clause को भी कई बार mention करती है institute in the suggested answer. You can at least know the objective क्या है clause का, क्यों लाया गया ये clause को institute ने। तो objective यही है कि safeguard करे public को amongst unqualified accounting practice, कि कोई भी एरा गरा नत्थू गरा सीए बनके ना चालू कर दे अपनी प्रैक्टिस अंडर द कवर ऑफ क्वालिफाइड अकाउंटेंट। इट एंश्योर्स दैट द वर्क ऑफ अकाउंटेंट विल बी कैरिड आउट बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु मे बी हिज पार्टनर और हिज एम्प्लॉय एंड वुड वर्क अंडर हिज कंट्रोल एंड सुपरविजन। एंड इसके अलावा तुमको के फैक्ट्स ऑफ द केस बताना है एंड लास्ट वीक तुमको कंक्लूड कर देना है। क्लियर है? यस, एनी डाउट नहीं है तो फटाफट से बताओ तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ूं क्या? यस सर, यस सर, यस सर, हेलो, यस सर, आई थिंक कैन यू शो मी द क्वेश्चन अगेन? हाँ, सो देयर इज अ लाइन, ही यूज्ड to provide consultancy independently to his client, to the client of the firm. Okay. So here the clients are important rather than the word independently. Client of the firm. तो जो फर्म का क्लाइंट है उसके यहाँ तुम जाके कंसल्टेंसी भी दोगे तो फर्म वो जो सामने वाला क्लाइंट है वो सोचेगा क्या? हाँ मतलब you are from CA Panth only, yeah. And also filed few IT and GST return and represented himself before various tax authorities on behalf of the firm. वही मैंने हाईलाइट करके रखा है जिससे तुमको समझ में आ रहा है कि वो किसी और फर्म के नाम पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? वेरियस टैक्स अथॉरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म ऑल्दो नो डॉक्यूमेंट्स वर साइंड बाय. कोई डॉक्यूमेंट साइन करने की जरूरत नहीं है. अगर ऐसा लगता भी है कि तुम किसी और फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो देन यू आर ऑब्वियसली यूजिंग व्हाट प्रैक्टिस द फर्म्स नेम दैट सीए फर्म. ओके सर. क्लॉज 2 वॉयलेट नहीं होगा. क्लॉज 2 वायलेट नहीं होगा. क्यों होगा? क्योंकि अपन देखेंगे अभी क्लॉज 2 में, क्योंकि सामने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है. सतीश क्या बोल रहे हो? सर वो अगर क्लाइंट जो भी क्लाइंट लेके आ रहा है वो अगर खुद के क्लाइंट लेके आ रहा है वहां पे तो ये वायलेट नहीं होगा ना. क्लाइंट खुद के लाना इज डिफरेंट. सामने वाले को समझ में रखना नहीं चाहिए ना. इस क्वेश्चन में क्लियरली समझ में आ रहा है कि वो फर्म का ही क्लाइंट है एंड क्लाइंट तुम अपना खुद का अलग बना रहे हो तो वो दैट इज डिफरेंट. यू आर देन practicing in your own name. You are not using firm name ना. तुम PF जो दूसरे की फर्म है उसका नाम यूज करके नहीं कर रहे. तुम अपने खुद की इंडिपेंडेंटली कर रहे हो. क्लाइंट बना. वही वही. ठीक है. चले. आज तक एक ही क्वेश्चन आया है ये क्लॉज से मई 19 में. आ जाओ अब क्लॉज 2 में. क्या बोला था मैंने? सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे बोलो? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिस्टेक. गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट. प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. इफ ही पेज और अलाउ और एग्री टू पे और अलाउ. मतलब तुम पे कर नहीं रहे हो, एग्री भी कर लिया, एग्री भी कर दिया अगर तो भी गिल्टी हो जाओगे. पे और अलाउ और एग्री टू पे और अलाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी शेयर कमीशन और ब्रोकरेज. तुम कमीशन दे रहे हो, कुछ भी शेयर दे रहे हो, परसेंटेज प्रॉफिट शेयर का या ब्रोकरेज दे रहे हो इन द फीस और प्रॉफिट ऑफ हिज प्रोफेशनल बिजनेस टू एनी पर्सन अदर देन मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट. अभी जो तुमने डाउट पूछा, किसी ने पूछा था, तो तुम अगर मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट मोती, जो मैं तुम लोग को बोलता हूँ जनरली, राइट, फ्यूचर मोती मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, अगर तुम किसी मोती को ही पे कर रहे हो तो चलेगा क्या? यस यस. अनलेस ही इज अ पार्टनर और अ रिटायर्ड पार्टनर ऑफ योर फर्म और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज पार्टनर. तो तुमको पार्टनरशिप एक्ट तुमने बचपन में पढ़ा होगा, राइट? सीए जब तुमने फाउंडेशन स्टार्ट किया था तो तुमको पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाया गया था. तो पार्टनरशिप एक्ट में तुमको क्या याद है क्या कि क्या पार्टनर के साथ प्रॉफिट शेयरिंग की जा सकती है? ऑब्वियसली पार्टनरशिप का मतलब क्या पार्टनर के रिटायर्ड पार्टनर के साथ भी की जा सकती है पार्टनरशिप? वो अगर सामने वाला रिटायरमेंट के बाद भी क्या उसके साथ प्रॉफिट शेयरिंग की जा सकती है? यस. क्या पार्टनर मरने के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी क्या प्रॉफिट शेयरिंग की जा सकती है? यस. कि तुम्हारी जो पार्टनरशिप फर्म है ना, छोटी सी प्यारी सी, उसमें जो तुम्हारे बाकी पार्टनर्स हैं वो रिटायर हो जाए या तुम्हारा पार्टनर जिंदा है या तुम्हारा पार्टनर मर भी गया हो लेकिन उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ तुम अगर प्रॉफिट शेयरिंग करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. प्रोवाइडेड डीड में प्रोवाइडेड होना चाहिए. इट शुड बी प्रोवाइडेड इन द डीड. इट शुड बी प्रोवाइडेड इन द डीड. ये अपन नीचे देखेंगे. प्रोवाइडेड इट शुड बी प्रोवाइडेड इन द डीड. या फिर मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी. ये कौन सी प्रोफेशनल बॉडी की बात कर रही है? तो इसको मार्क करना रेगुलेशन 53A सब रेगुलेशन 1 जो यहाँ पे अपन देखेंगे. और विद सच अदर पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब. तो ये कौन से क्वालिफाइड पर्सन की बात कर रही है? रेगुलेशन 53A का सब रेगुलेशन 3 जो क्वालिफाइड पर्सन की बात हो रही है. तो आ जाओ सबसे पहले ऐसे कौन से प्रोफेशनल बॉडीज हैं जिनके मेंबर के साथ तुम ऐसी टाइप की कोई अरेंजमेंट में एंटर करते हो तो अलाउ किया जाएगा, तुमको जीपीएम नहीं होगे। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? ऐसे कौन सी बॉडीज है जिनके मेंबर के साथ अगर तुम ऐसे अरेंजमेंट में एंटर करते हो तो तुमको गिल्टी नहीं किया जाएगा क्लॉज 2 में। तो सबसे पहला तो हो गया अपना सिस्टर फर्म आईसीएसआई, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी के साथ तुम कर रहे हो तो। देन तुम्हारा हो गया कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, जिसको अभी अपन आजकल क्या बोलते हैं इंडिया में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए, और वो लोग अब से अपने आप को बोल रहे हैं कॉस्ट अकाउंटेंट, राइट। बीच में धमाल भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक गया था केस, आई डोंट नो व्हाट डिसीजन दे गिव, बट हाई कोर्ट में केस ये हुआ था कि कॉस्ट अकाउंटेंट और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो दोनों ही सीए है, तो कॉस्ट अकाउंटेंट भी सीए यूज कर रहे थे। एंड हाई कोर्ट ने फिर दिया कि सिंस सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग बहुत टाइम से यूज कर रहे हिस्टोरिकली सिंस मेनी ईयर्स, तो हाई कोर्ट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के फेवर में दिया था, सीए की बॉडी के फेवर में। बट देन दे रेज इट टू सुप्रीम कोर्ट, आई डोंट नो व्हाट्स द करंट स्टेटस, बट दैट वाज द केस सीएमए। तो इनके साथ अगर तुम कर रहे हो ऐसी अरेंजमेंट तो भी अलाउड है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स को क्या बोलते हैं अपन? लॉयर, एडवोकेट। गलत हो गए, सतीश सही बोल रहा है, एडवोकेट। लॉयर तुम कब बन जाते हो? जब तुमने 3 साल या 5 साल की जो भी तुम्हारी बैचलर इन लॉ होती है, वो तुम बैचलर डिग्री या जो भी लॉ की डिग्री एक बार ले लेते हो तो तुम क्या कहलाते हो? लॉयर। लेकिन क्या तुम क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या? क्लाइंट को क्या तुम रिप्रेजेंट करके केस लड़ सकते हो क्या? नो सर, नहीं लड़ सकते हो। जब तक तुम एडवोकेट नहीं बन जाते, जब तक तुम एडवोकेट नहीं बन जाते तब तक तुम केस नहीं लड़ सकते। तुम जितना उसको कंसल्टेंसी वगैरह देना दो, जो तुमको उसकी फाइलिंग करनी, कंसल्टेंसी देना, तुमको नॉलेज सब है एज एन एडवोकेट, बट तुम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इन एनी ऑफ हिज केस अगेंस्ट एनी फोरम। तो उसके लिए तुमको एडवोकेट बनना पड़ेगा। एडवोकेट बनने के लिए तुमको बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जामिनेशन पास करके तुमको उसका मेंबर बनना पड़ता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबरशिप के लिए भी तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है अंडर एनी एडवोकेट, 3 साल कुछ इस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है। आई डोंट एग्जैक्टली नो, बट बीसीआई का जो मेंबर है उसको अपन क्या बोलते हैं? एडवोकेट। ठीक है, एडवोकेट और लॉयर में मैं डिफरेंस क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये अपने को और आगे भी काम आने वाला है, क्लॉज 4 में, इंपॉर्टेंट क्लॉज 4 में काम आएगा, जब मैं पूछूंगा तुमको क्या एडवोकेट के साथ पार्टनरशिप में एंटर किया जा सकता है। अब इसके बाद आ जाओ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट, इनके मेंबर के साथ भी तुम पार्टनरशिप में एंटर, सॉरी पार्टनरशिप बोलते हो, पे या एग्री टू पे या अलाउ कर सकते हो कुछ अपने प्रॉफिट शेयरिंग फीस में। देन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया, एक्चुरियल साइंस जो पढ़ते हैं तुमको पता होगा, इंश्योरेंस कंपनी को मैंडेटरी एक्चुरीज अपॉइंट करना। सो एक्चुअली जनरली क्या करते हैं? फोरकास्ट करते हैं रिस्क क्या है, आगे कितना हमको क्लेम देना पड़ सकता है, अगर इंश्योरेंस कंपनी की बात करूँ तो कितना क्लेम आ सकता है, क्या रिस्क है। तो पर्टिकुलरली फोरकास्टिंग में उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है, एक्चुअल रिस्क एनालिसिस कि क्या रिस्क है कि हमको क्लेम देना पड़ जाएगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया, इनके साथ तो अगर तुम एंटर करते हो तो। फिर आ जाओ कौन कौन से पर्सन क्वालिफाइड है, कौन कौन से पर्सन क्वालिफाइड है, ये यहाँ से आ रहा है, इनके साथ भी तुमको अलाउ किया है इंस्टीट्यूट ने। तो वही मैंने तुमने सामने वही लिखा है, सीएस हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, बैचलर इन लॉ मतलब अब तुम्हारा लॉयर भी हो गया। लॉयर के साथ भी तुम एंटर कर सकते हो, लॉयर के साथ भी तुम एंटर कर सकते हो। बैचलर इन आर्किटेक्चर हो गया तुम्हारे इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के, एक्चुअरी के साथ कर सकते हो। बैचलर इन इंजीनियरिंग, बीटेक बी वाले फर्म, बीटेक बी वाले दोस्त तुम्हारे याद है कि नहीं, तुम भूल चुके हो उनके, बीटेक बी वाले जो तुम्हारे दोस्त है उनके साथ अगर तुमको ऐसा कोई एग्रीमेंट कर लेना तो कभी उनके साथ भी याद करके कर लिया करो। और बड़ी बात एमबीए के साथ भी कर सकते हो, एमबीए इंपॉर्टेंट मार्क करना क्योंकि आगे काम आएगा जब क्लॉज 4 में मैं इसको पूछूंगा। एक हो गया तुम्हारा एमबीए और एक हो गया तुम्हारा एडवोकेट। तो ये लोगों के साथ अलाउड है, और इसके अलावा और किसके साथ अलाउड है? सीए प्लस पार्टनर, मेरा पार्टनर, चाहे वो रिटायर्ड हो, चाहे जिंदा हो, चाहे मर गया हो, लेकिन उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये सब के साथ तुमको अलाउ किया है इंस्टीट्यूट में। लेट्स क्विकली कम टू दिस पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करना। आज तक इंस्टीट्यूट ने इस पे क्वेश्चन पूछा नहीं है, नॉट एट आस्क आइदर इन आरटीपी, either in MTP, neither in any exam। ठीक है, तो आएगा तो डायरेक्ट एग्जाम में आएगा सीधा। तो क्या बोलता है, मैं तुमको केस बता देता हूँ, तुम लोग अपना दिमाग लगा के खुद बताओ क्या ऐसा अलाउ होना चाहिए क्या? जैसे गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिट होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज छोड़ो या कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऑडिट होते हैं, मैंने जो जिला सरकारी केंद्र मर्यादित कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक थी उसकी जो ऑडिट थी, या बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी ले लो, नॉट जस्ट कोऑपरेटिव बैंक, तो उसकी ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास कहाँ से आती है? एक पैनल मेंटेन किया जाएगा जहाँ पे तुमको अंडर पैनल में सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स को एम्पैनल्ड होना पड़ेगा, और ये सारी ऑडिट्स आएगी ये पैनल के पास, और ये पैनल सारे अपने पैनल मेंबर्स के साथ शेयर करेगी ऑडिट, राइट। तो ये जो पैनल है, पैनल ये फीस गवर्नमेंट से लेगी, मान लो 1 लाख रुपए अगर फीस ले रही है गवर्नमेंट या कोऑपरेटिव सोसाइटी या जिसकी भी ऑडिट है, 1 लाख रुपए इससे फीस दे रही है, 5% अपना एडमिनिस्ट्रेशन फीस, 5% अपना एडमिनिस्ट्रेशन फीस काट के अपना सीए फर्म या सीए को पैसा दे रही है। तो क्या तुम अब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने फीस का 5% प्रॉफिट शेयर बोल दो या 5% फ्रॉम द फीस बोल दो, क्या तुम किसी और बंदे के साथ शेयर कर रहे हो? हाँ कि ना? क्या तुम किसी और के साथ शेयर कर रहे हो? यस। क्या वो यहाँ कहीं पे भी फॉल हो रहा है? ये जो पैनल है क्या है वो कहीं यहाँ पे फॉल हो रहा है क्या? नो, नहीं हो रहा है। तो क्या ये अब चार्टर्ड अकाउंटेंट गिल्टी हो जाएगा? यस सर। तो गिल्टी हो जाता, इसीलिए सीए ने इंस्टीट्यूट ने अपनी अलग से क्लैरिफिकेशन बोल दिया कि भैया ये कस्टम है, ये पुराना ट्रेडिशन है, अब तुमको बोल देंगे कि टेंडर भरते भरते तुम डिपॉजिट मत भरो, तो तुम क्या नहीं भरोगे? तभी ये डिपॉजिट भरना ही पड़ेगा तुमको टेंडर अगर एक्सेप्ट करवाना है तो जो कस्टम बिजनेस का चलते आता है वो तो तुमको चलाना ही पड़ेगा। पैनल मेंटेन्ड है, पैनल वाला अपना एडमिनिस्ट्रेशन फी काट रहा है, मात्रा कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं ले रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस कॉस्ट बेसिस में जो भी लगता है वो अपना उतना मेंटेन करने के लिए लेता है। तो ये कोई मैं अपनी फी का शेयरिंग में नहीं कहलाएगा, एंड देयरफॉर यू विल नॉट बी हेल्ड जीपीएम फॉर सच शेयरिंग फॉर सच पेमेंट। तो देखो ये क्या बोल रहे, काउंसिल डिसाइडेड दैट एज सच देयर इज नो बार इन द कोड ऑफ एथिक्स टू एक्सेप्ट सच असाइनमेंट वेयर इन अ परसेंटेज ऑफ प्रोफेशनल फी इज डिडक्टेड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंडिचर। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बना के दे सकती इंस्टीट्यूट, आज तक मैंने बताया कहीं आया नहीं है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। क्या मैं बोलता हूँ जनरली पीएफक्यू बोले तो प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चन। अब आ जाओ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट या सेल ऑफ गुडविल। तो जैसे मैं तुमको अभी क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, अगर सेल ऑफ गुडविल का क्वेश्चन आता है कि तुम गुडविल सेल कर रहे हो और उसके लिए कुछ पैसे ले रहे हो, तो ये जो गुडविल सेल कर रहे हो उसके लिए भी कुछ तुम पैसे ले रहे हो, तो इसमें भी तुमको रेफर क्या करना पड़ेगा? आंसर में तुमको रेफरेंस देना पड़ेगा Schedule 1 Part 1 Clause 2 और प्रॉपर पूरी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। तो ये याद रहने के लिए कि भैया सेल ऑफ गुडविल Schedule 1 Part 1 Clause 2 का पार्ट है, तो सबसे पहले तो दिमाग लगाओ सेल ऑफ गुडविल इसके अंदर क्यों आया, तब जाके तुमको बाद में याद रहेगा कि सेल ऑफ गुडविल आया तो मेरे को इसका रेफरेंस भी देना है, इसका Schedule 1 Part 1 के Clause 2 का। सेल ऑफ गुडविल इज व्हाई दिस टॉपिक इज देयर इन Schedule 1 Part 1 के Clause 2 में। गुडविल तुम सेल कर रहे हो और पैसा ले रहे हो, गुडविल किसका? पार्टनरशिप वाला आया था ना, पार्टनरशिप फर्म है मेरी, मैं फर्म की जो गुडविल है, गुडविल मतलब मेरा जो नाम है, फर्म का नाम है, उसको मैं सेल कर रहा हूँ और उसके बिहाफ में मैं पेमेंट ले रहा हूँ। तो सेल ऑफ गुडविल, राइट। तो मनी हैज टू बी गिवन, राइट, पेमेंट हैज टू बी डन। तुम पे कर रहे हो या अग्री कर रहे हो, पे या अलाउ कुछ। अगर तुम प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस में अगर ऐसे एग्रीमेंट में एंटर करते हो कि मान लो मैं मर गया और मेरी वाइफ एग्री करती है कि सामने वाला जो सीए फर्म है, तुम चांडक एंड एसोसिएट जो है, चांडक एंड एसोसिएट जो यश चांडक की सीए फर्म थी उसका तुम चांडक एंड एसोसिएट नाम लो, बहुत नाम है उनका, नाम से तुम्हारी बहुत फर्म चलेगी, लेकिन ये नाम से तुम जितने क्लाइंट लोगे ना उस क्लाइंट का 25% फी आने देना, हर साल 25% फी इधर आने देना। तो ये जो परसेंटेज शेयर में तुम एग्रीमेंट कर रहे हो ना गुडविल सेल का, तो ये परसेंटेज शेयर में अगर करोगे तो जीपीएम हो जाओगे। तो सेल ऑफ गुडविल भी अगर कर रही है मेरी वाइफ मेरे जाने के बाद, तो उस केस में कैसे होना चाहिए सेल ऑफ गुडविल एग्जैक्टली, डेट वी विल हैव टू सी हियर अंडर Clause 2 of Part 1 ऑफ Schedule 1। क्लियर है क्या? इसलिए यहाँ पे कवर्ड है और तुमको रेफरेंस देना है Schedule 1 Part 1 Clause 2 का, याद रखना। तो सबसे पहला केस देखते हैं अपन, पार्टनरशिप फर्म है और कोई एक पार्टनर मर गया, तो मैंने क्या बोला, क्या पार्टनरशिप फर्म है और कोई एक पार्टनर मर गया तो क्या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ फी शेयरिंग हो सकती है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग हो सकती है? yes, sir. हो सकती है, लेकिन मैंने क्या बताया था इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप डीड नॉट बी ऑन अ परसेंटेज बेसिस इफ द प्रोवाइडेड डीड प्रोवाइड्स, पार्टनरशिप डीड में दिया ही होगा ऑब्वियसली तभी होगा, तो इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड प्रोप्राइटरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म बोले तो दो टाइप की प्रैक्टिसिंग अलाउ करती है सी इंस्टीट्यूट। देखो एक तो मैंने पहले लेके रखा था यश चांडक सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, मेरे पास थी सीओपी थी लेकिन मेरी कोई फर्म नेम नहीं थी, चांडक एंड एसोसिएट से मैंने बाद में अप्लाई किया, तो इंस्टीट्यूट बोलती है कि तुम अपने सोल इंडिविजुअल नेम पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो और तुम फर्म नेम में भी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर तुमको अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बनानी है। तो अब मैंने जो यश चांडक के नाम पे अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मान लो, तो क्या मेरी कोई गुडविल है क्या, मतलब क्या यश चांडक की गुडविल को बेच सकते हैं क्या फर्म नेम? सर वॉइस नहीं आ रही है, सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। सो अगर मैं फर्म बना के करता हूँ तभी तो मेरा कुछ, मेरे जाने के बाद भी कुछ बचेगा बेचने के लिए, फर्म नेम बचेगी ना। अगर मैं चले गया तो यश चांडक को कैसे बचोगे, यश चांडक के नाम को कैसे बचोगे अगर मैं इंडिविजुअली प्रैक्टिस करूंगा तो, राइट। सो प्रोप्राइटरशिप फर्म अगर मेरी रहेगी तो चांडक एंड एसोसिएट्स का एक गुडविल का नाम तुम बेच सकते हो। तो ये अब सेकंड के जाते हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म है एंड पहला केस है कि डिस्प्यूट नहीं है बिटवीन लीगल हेयर्स, कोई डिस्प्यूट नहीं है बिटवीन लीगल हेयर्स, सिंगल प्रोप्राइटरशिप का गुडविल बेच सकते हैं। यस, तो प्रोप्राइटरशिप का गुडविल अपन बेच सकते हैं, उसी की बात कर रहे हैं अपन, सेल ऑफ गुडविल ऑफ द प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो क्या अब इस केस में मेरी विडो जो रहेगी अपनी, यानी जो मेरी जो वाइफ रहेगी मेरे मरने के बाद, यू विल बी कॉलिंग हर एज विडो, तो क्या अब वो मेरी गुडविल को बेच सकती है क्या? अभी अपन ने डिस्कस किया, बेच सकती है यस, बट ऐसे कोई अरेंजमेंट में एंटर करी अगर उसने जहाँ पे सामने वाली जो सीए फर्म है उस वो हमको कैसे पेमेंट करने वाली है, शेयर देके, कमीशन देके, ब्रोकरेज देके, इन द फीस या प्रॉफिट्स ऑफ द प्रोफेशनल बिजनेस। तो उस बेसिस में अलाउ नहीं किया इंस्टीट्यूट ने। इंस्टीट्यूट बोलता है कि अगर तुमको गुडविल बेचना है तो बेचो बिंदास, बट अपफ्रंट कंसिडरेशन डिसाइड कर लो कि गुडविल 25 लाख में बेचनी है, गुडविल 1 करोड़ में बेचनी है, अपफ्रंट कंसिडरेशन डिसाइड कर लो, पेमेंट भले ही पार्ट में कर लो, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसीडरेशन अपफ्रंट डिसाइड करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया अगले साल अगर 1 करोड़ की हुई तो 25% देना, अगले साल तुम्हारा 2 करोड़ की रिसीट्स हुई तो तुम देना 20%, अगले साल 2 करोड़ की 5 करोड़ की हुई तो 15%। ऐसा कोई तुम्हारा कंटिजेंट नहीं रहेगा ऑन द फीस ऑफ द अदर फर्म। गुडविल का जो कंसीडरेशन है दैट हैज टू बी डिसाइडेड अपफ्रंट एंड पेमेंट कैन बी डन इन पार्ट। क्लियर है? So no sharing of fees between the legal representative and the purchaser of the goodwill. Legal representative widow के साथ and purchaser of the goodwill के बीच में कोई ऐसा sharing of fees नहीं हो सकती है। दो केस अब अपन देख लेते हैं, एक पहला केस है जहाँ पे कोई legal heir में बीच में dispute नहीं है और दूसरा केस है जहाँ पे dispute है between the legal heir। तो पहला केस सिंपल है, कोई dispute नहीं है, legal heir मैं मर गया, मेरी वाइफ को सारी की सारी मेरी जायदाद जाने वाली ऐसे भी, राइट, और कोई किसी में लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना मेरे भैया आ रहे, ना मेरे पापा आ रहे, ना मेरी मम्मी आ रही, ना कोई आ रहा है। तो इस केस में जो सेल है हैज टू बी कंक्लूडेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेथ ऑफ प्रोप्राइटर। कुल मिला के अगर मैं बात बोलूँ तो याद रखना 1 साल तुमको याद रखना है, ये एग्जाम में आ चुका है 4 नंबर के लिए। जब डेथ होगी वहां से लेके 1 साल तक तुम्हारे फर्म का नाम अबेयंस में रखा जाएगा, अबेयंस मतलब होल्ड में रखा जाएगा। फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, फ्रॉम देन 1 ईयर, 1 साल तक तुम्हारा जो नेम ऑफ द फर्म है, फर्म नेम, उस दैट शैल बी केप्ट इन अबेयंस, दैट शैल बी केप्ट इन अबेयंस। आफ्टर दैट द नेम शैल बी रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर, उसके बाद तुम बेच नहीं पाओगे। इसलिए यू हैव टू कंक्लूड द सेल विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेथ ऑफ प्रोप्राइटर एंड द नेम ऑफ द फर्म शैल बी केप्ट इन अबेयंस टिल 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर। पहला केस सिंपल है, तुमको सेल कंक्लूड कर देनी विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर। सेकेंड केस, यहाँ पे मेरे भैया आ गए लड़ने और बोल रहे कि हमारे पास विल में लिखा हुआ है कि मेरे मरने के बाद सारी जायदाद किसके पास जाएगी, मेरी मम्मी के पास। तो तुम कहाँ से आ सकती हो, तुम जाओ, मेरी वाइफ को नहीं दिया जा रहा है मेरी जायदाद में हिस्सा, तो इस केस में अब बताओ डिस्प्यूट है तो क्या करे अब इंस्टीट्यूट, क्या करे? रजिस्टर में से मेंबरशिप में से जो फर्म नेम है, रजिस्टर ऑफ द फर्म नेम जो है उसमें से फर्म नेम का क्या करे? आर वी सेलिंग द नेम और क्लाइंट? नो, वी आर जस्ट सेलिंग द नेम, बट बिकॉज वी आर सेलिंग द नेट दैट नेम, तो वो जो नेम है वो दूसरी फर्म अब यूज कर सकती है वो नेम, एंड वो नेम के इसमें प्रैक्टिस करेगी, तो वो नेम के जो क्लाइंट्स ऑब्वियसली वो साथ में चले जा सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स हो सकते हैं, कुछ क्लाइंट्स ना भी जाए, राइट? सो यहाँ पे अब डिस्प्यूट की बात करें तो डिस्प्यूट में इंस्टीट्यूट बोलती है कि भैया जब डेथ हुई और डिस्प्यूट है तो तुमको अगेन विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ बता देना इंस्टीट्यूट को कि भैया अभी डिस्प्यूट है, मामला कोर्ट में चल रहा है कि किसकी जायदाद होने वाली है। डिस्प्यूट एक बार सेटल होने के बाद हम आपको बता देंगे कि सेल हुआ या नहीं। डिस्प्यूट होने के बाद सेल बता देंगे। डिस्प्यूट अभी पता ही नहीं है कि किसको मिलने वाली है गुडविल, तो गुडविल बेचोगे कैसे? तो गुडविल अभी डिस्प्यूट में है। इन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्यूट टू बी रिसीव्ड बाय आईसीआई विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, इन्फॉर्मेशन आईसीआई को मिल जानी चाहिए फ्रॉम 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, एंड नेम ऑफ द फर्म विल बी केप्ट इन अबेंस फ्रॉम 1 ईयर आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो जब सेटलमेंट हो गया, डिस्प्यूट का सेटलमेंट हो गया, तो उसके 1 साल में तुमको अब सेल कर देना। 1 साल में सेटलमेंट हो गया, कुल मिला के गुडविल दी गई है मेरी वाइफ को, मेरे भैया केस हार चुके हैं, तो इस केस में क्या होगा? मेरी वाइफ को गुडविल सेल करनी, कंडक्ट करनी है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ। नेम ऑफ द फर्म विल बी केप्ट इन अबेंस ओनली अप टू 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। सेटलमेंट के बाद 1 साल और रुकेगी इंस्टीट्यूट, एंड उसके बाद तुम्हारा फॉर्म नेम हटा दिया जाएगा, तो उसके पहले तुमको सेल कंक्लूड करनी है। आई होप इट इज क्लियर वेरी मच। एक बार समराइज करूँ तो सबसे पहला बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में सिंपल है, कोई भी पार्टनर मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रॉफिट शेयरिंग इफ द डीड प्रोवाइड। सेकंड केस प्रोप्राइटरशिप फर्म में ऐसी कोई जहाँ पे तुम्हारी प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है, तुमको अपफ्रंट कंसीडरेशन लिखना है तो लिख लो अपफ्रंट कंसीडरेशन, पेमेंट कैन बी इन इंस्टॉलमेंट। अपफ्रंट कंसीडरेशन, पेमेंट कैन बी मेड इन इंस्टॉलमेंट, बट कंसीडरेशन टू बी डिसाइडेड अपफ्रंट। ठीक है, कोई कंटिजेंट बेसिस, फी बेसिस पे नहीं होना चाहिए, जो ऊपर क्लॉज 2 में अलाउ नहीं करते। फिर 2 केस दिया तुम्हारे उसमें। सबसे पहला केस दिया था डिस्प्यूट नहीं है तो सिंपल की बात है, तुम्हारा फर्म नेम शैल बी केप्ट इन अबेंस टिल 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ। विद इन दैट 1 ईयर यू विल हैव टू कंक्लूड द सेल एंड कम्युनिकेट टू द आईसीआई। सेकेंडली, अगर डिस्प्यूट है तो तुमको इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, इन्फॉर्मेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड टू द इंस्टीट्यूट टू बी कम्युनिकेटेड टू द इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग डिस्प्यूट, एंड वंस द डिस्प्यूट इज सेटल्ड दैट फ्रॉम देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट यू हैव टू कंक्लूड योर सेल ऑफ गुडविल। एग्जिस्टेंस एंड सेटलमेंट दोनों के बारे में कम्युनिकेट करना है इंस्टीट्यूट को। यस, डिस्प्यूट है तो तुमको 1 साल के अंदर करना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट हटा देगी ना तुम्हारे फर्म का नाम। लॉजिकल है, इंस्टीट्यूट तुमको सिंपल एक लॉजिक बिहाइंड में ये बांध के चलो कि इंस्टीट्यूट 1 साल तक तुम्हारा फर्म नेम रखेगी, उसके बाद चाहे तो हटा सकती है, चाहे तो हटा देगी। तो इसलिए 1 साल के बाद ना हटाए, तुमको बताना पड़ेगा ना कि भैया अभी डिस्प्यूट है, कोर्ट में तो चलेगा 2-3 साल मामला, तो इंस्टीट्यूट 1 साल के बाद इसको नहीं हटाएगी। लेकिन उसके सेटलमेंट हो गया, अब तो क्लियर है ना, अब क्लियर हो चुका है, तो अब 1 साल में कंक्लूड करो अपनी सेल एंड इन्फॉर्म करो इंस्टीट्यूट को। यस, एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू क्लॉज 2? Let's move to clause 3, if no doubt. सर, इस इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में डेट क्यों गिवन है ऐसे? 30 अगस्त 1998, 29 अगस्त 1998। बिफोर एंड आफ्टर वाला बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो अभी अपन आफ्टर गुडविल में, क्योंकि उतने पुराने केस डिस्प्यूट वाले अभी तो चल नहीं रहे होंगे, तो जो आफ्टर वाला है वही अपने को पढ़ना है और वही आता है एग्जाम में, तो बिफोर वाला उड़ा दो। ओके सर। चले क्लॉज 3 में आ जाओ। शेड्यूल 1 का होता है पार्ट 1 का क्लॉज 3। क्या था क्लॉज 3? याद किए थे अपन? यस, फ्री में क्या तुम कुछ भी एक्सेप्ट करोगे? यस, हम तो करेंगे ना, फ्री में मिलेगा तो। तो यही बात होती है अ सीए इन प्रैक्टिस, बोलो अ सीए इन प्रैक्टिस shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he accept कर रहा है वो या agree भी कर लिया, क्वेश्चन में फंसा सकते, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा बोलेगा और क्लियरली एम्फसाइज करेगा कि उसने एग्रीमेंट किया अभी तक लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया और एग्रीमेंट को फिर उसने वॉइड कर दिया, बाद में एग्रीमेंट में उसने खुद ही मुकर गया, कुल मिला के उसने एग्री कर दिया ना तो गिल्टी हो जाएगा, समझ लो। तो एक्सेप्ट और एग्री टू एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रोफेशनल वर्क ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब दूसरे के काम में से तुम कुछ फी शेयरिंग अब ले रहे हो, अभी तक तो तुम दे रहे थे क्योंकि तुम छोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तुमको प्रोफेशनल बिजनेस हायर करने के लिए किसी किसी को कमीशन, ये ब्रोकरेज फीस का प्रॉफिट शेयरिंग ये सब देना पड़ रहा था, अब तुम बड़े सीए हो गए हो तो अब लोग तुम्हारे से काम करवा के और तुमको शेयर में दे रहे, तो कुल मिला के अब मुझे बताओ अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सामने वाला अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसके साथ क्या अलाउ होगा, क्या उसके साथ उससे मैं क्या पैसा एक्सेप्ट कर सकता हूँ क्या? यस सर, अगर वो इन प्रैक्टिस में रहेगा, राइट राइट, सो वो सीए इन प्रैक्टिस होगा, मोती होगा अपना, तो देयरफॉर वी कैन एक्सेप्ट फ्रॉम हिम, क्योंकि ये अपना दिया हुआ एक्सेप्शन। दूसरा ये अब एक प्रोविजो देखो क्या बोल रहा है, प्रोविजो फटाक से देखो और बताओ क्या बोल रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट nothing herein contained shall be construed as prohibiting a member from entering into profit sharing or other similar arrangement including तुम share receive करो, commission receive करो, brokerage receive करो, जो करना करो with a member of such professional body, with a member of such professional body, कुछ याद आ रहा है, with a member of such professional body or other person having such qualification as may be required specified as referred to in the clause 2 of part 1 of schedule 1 as referred to in the clause 2 or part 2 of schedule, clause 2 और part 2 of schedule 1 में क्या क्या रेफरेंस है याद है क्या? रेगुलेशन 53A1 प्रोफेशनल बॉडीज कवर्ड थी और 3 में क्या था? पर्सन स्पेसिफाइड क्वालिफाइड पर्सन जिसके साथ तुमको अलाउ किया गया, तो सेम वही लोग यहाँ पे भी अलाउड है, सेम वही लोग यहाँ पे भी अलाउड है, क्लियर है? यस सर। रेफरल फीस अमंगस्ट मेंबर्स, सोचो एक बार क्या तुम रेफरल फी ले सकते हो बाकी मेंबर से? मतलब कुल मिला के क्या बोलूं कि मान लो मेरी सीए फर्म है, मैं सिर्फ डीटी में प्रैक्टिस करता हूँ, टैक्स ऑडिट करता हूँ, लिटिगेशन लेता हूँ, डायरेक्ट टैक्स में ही प्रैक्टिस है मेरी। आईडीटी के भी क्लाइंट्स होंगे, वही सेम डीटी के जो क्लाइंट्स होंगे आईडीटी की भी जरूरत होगी, तो जो आईडीटी के लिए आते हैं ना मेरे पास, वो मैं दूसरी फर्म के पास फॉरवर्ड कर देता हूँ, मेरी ही भाई बंधु वाली एक दूसरी एसोसिएट अफिलिएट फर्म है, मैं उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ मान। तो ये जो मैं फॉरवर्ड करूँगा तो फोकट में तो करूँगा नहीं, मैं भी कुछ उसमें रेफरल फी लूँगा, रेफर करने का फी लूँगा, तो जो दूसरे मेंबर को मैंने फी रेफरल फी के बेसिस पे ये जो वर्क फॉरवर्ड किया, तो क्या ये जो रेफरल फी मैं ले रहा हूँ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्या ये अलाउड है? Not prohibiting a member in practice to obtain fees from another member in practice in relation to clients referred, right? Any doubt till here? अगर कोई डाउट है तो फटाफट से बताओ, नहीं तो I will be asking question to specific persons जो कि मेरे को आंसर करेंगे। बोलते जाओ कोई डाउट है तो। सो क्लॉज 3 का पर्पस क्या है? क्लॉज 3 द पर्पस इज टू नॉट टू एंगेज इन सच एक्टिविटीज जहां पे तुम दूसरी कोई अरेंजमेंट में एंटर कर रहे हो और तुम्हारा ध्यान प्रैक्टिस करने में नहीं है, तुम्हारा ये सब कमीशन खाने में ज्यादा ध्यान है, कमीशन खा रहे हो ये सब, तो जैसे तुम बोल सकते हो ना कि मैंने कुछ और बिजनेस तुमको फॉरवर्ड करवाया और इसमें अब जो तुमको प्रॉफिट होगा उसका मैं भी शेयर लूंगा, तो ये सब चिंदी चमारी वाली एक्टिविटीज में इंस्टीट्यूट डजंट वांट यू टू एंगेज। Institute wants you to focus on practice if you are practicing, and secondly, if you are engaging in such silly activities, जहाँ पे तुम दूसरे के प्रॉफिट का शेयर ले रहे हो, so that doesn't give a good respect. Referral fees advocate से accept कर सकते हैं क्या? Yes, you can accept referral fees from the advocate because it is covered where 53A सब रेगुलेशन 1 मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट। 53A सब रेगुलेशन 1 में दिया हुआ है ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर, तो एडवोकेट तुम अगर मान लो तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आया है एंड वो उसको तुमको वो बोल रहा है कि मैं हमको पीएफ वगैरह का भी काम करवाना है, पीएफ ईएसआईपी ये सब का जो रिटर्न फाइलिंग होता है, पेमेंट होता है, तो हमने बोला कि हमारे तो सीएफ में हम लोग ज़्यादातर टैक्स ऑडिट ये सब में डील करते हैं, पीएफ वगैरह से रिलेटेड काम हम एक एडवोकेट तो नहीं समझ लो, लॉयर को क्या कर रहे हैं फॉरवर्ड तुम्हारा काम, तो तुम उनसे करवा लो, तो उनसे जो तुम रेफरल फीस ले रहे हो, तो ये एग्रीमेंट में एंटर करना वैलिड है, ठीक है। यस सर, यस सर राघव, तो बताओ फटाक से पहला क्वेश्चन का आंसर दो। जी सर, yes sir, you are obtaining loan from the bank and then you are agreeing to the interest, pay interest क्या कर रहे हो 6% of the gross receipts, तुमको जितनी receipts आएगी ना उसका 6% तुम बैंक को दोगे, लोन का इंटरेस्ट पटा रहे हो, बोलो बोलो बोलो। तुम कुछ बोल रहे हो तो आवाज नहीं आ रही राघव। यहाँ से वो कर सकता है अगर उस वो पेमेंट को इंस्टॉलमेंट में भी कर सकता है गुडविल, वो अगर उसके डिसीज्ड पार्टनर है वो पे कर सकता है, बोल रहे हो डिसीज पार्टनर है, तो ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये वाला नहीं बोल रहा हूँ, ये वाली क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन है ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम द बैंक, ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, you obtain the loan from the bank and then you are paying interest at the rate 6% of the gross receipts, तो अलाउड है क्या ये, तुमने लोन लिया बैंक से और तुम इंटरेस्ट पटा रहे हो 6% ऑफ द ग्रॉस रिसीट्स, बोलो भाई। इफ परसेंटेज ऑन रिसीट देन यू विल बी हेल्ड व्हाट, गिल्टी। गिल्टी, यस सर, यस सर, यस सर। कुछ भी रिसीट का कुछ परसेंटेज शेयर तुम किसी ऐसे पर्सन के साथ कर रहे हो जो ऊपर में मेंशन नहीं है, 53A1, 53A3 में मेंशन नहीं है, तो यू विल बी हेल्ड गिल्टी, अलाउड नहीं सर ये। शेयरिंग प्रॉफिट विद द विडो ऑफ द डिसीज पार्टनर, ये बताओ शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ द डिसीज पार्टनर अलाउड, गिल्टी नहीं है ओके सर, डीड में प्रोवाइड होना चाहिए, कर सकता है इंस्टॉलमेंट में भी कर सकता है, प्रोवाइडेड डीड में प्रोवाइड, अलाउड राइट, प्रोवाइडेड द डीड प्रोवाइड्स, सो दिस विल बी अलाउड। तो इसमें आप तुमको लिखना कैसे है, सबसे पहले तुम स्टार्ट क्या करोगे, शेड्यूल 1 पार्ट 1 का क्लॉज, पार्ट 1 क्लॉज 2, राइट यस। इसके बाद तुमको गुडविल वाला प्रोविजन भी लिखना पड़ेगा, then facts of the case लिखने पड़ेंगे and then conclude करना पड़ेगा कि this will not held GPM under clause 2 of part 1 of schedule 1 as this is been provided under the above provision. Second, अब आ जाओ तुम्हारा, मान लो कि 50% of the audit fee to a non-chartered accountant under office allowance, तो ये मान लो मेरे साथ जब आर्टिकलशिप में था तो चंडीगढ़ भेजे थे हमको ऑडिट के लिए, राइट। एंड हमने क्या किया, फिर जितनी पैसे उड़ाने उड़ाओ बोला फर्म ने, तुमको जितना पैसे उड़ाओगे उतना रिम्बर्स करेंगे, नहीं वैसा नहीं है, तुमको हम जितनी ऑडिट फी है ना उसका 50% रिम्बर्स कर देंगे, तो तुम्हारा रहना खाना जाना आना सब तुम्हारा रिम्बर्स हो जाएगा, 50% ऑफ द ऑडिट फी के हिसाब से रिम्बर्स होगा, उसके ऊपर जितना लगेगा वो तुमको अपने जेब से देना है, उसके अंदर जितना है वो हम नहीं जानते। तो गेव 50% ऑफ द ऑडिट फी टू अ नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट अंडर ऑफिस अलाउंस, ऑफिस अलाउंस मतलब यही जो मैं बता रहा हूँ तुमको, अलाउ ऑफिस अलाउंसेस रिइंबर्समेंट, पीएम हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा सर, स्टैंडर्ड सेम वही रेफरेंस। आर्टिकल को तुम 1% ऑफ द प्रॉफिट दे रहे हो बिकॉज़ ऑफ द फाइनेंशियल डिफिकल्टी आर्टिकलशिप के दौरान, तो तुमको पता ही है क्या, गिल्टी हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा। सेल ऑफ गिल्टी टू अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट अलोंग विद राइट टू यूज नेम, That is also not guilty. Not guilty, right? गिल्टी नहीं होगा। किसी को कोई डाउट आ रहा है तो बीच में रोक सकता है, किसी को कुछ स्पीड का भी इश्यू लग रहा है तो भी एक बार मेरे को बता सकता है। शेयर एंड रिसीव प्रॉफिट विद एडवोकेट। लो आ गया तुम्हारा क्वेश्चन। इट्स नॉट सर, नॉट गिल्टी, अलाउड, अलाउड, अलाउड। क्लॉज का रेफरेंस करोगे? वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से क्लॉज 2 जाएगा, क्लॉज 2, क्लॉज 2 आएगा, क्लॉज 2 जाएगा, 3 भी आएगा, रिसीव भी तो कर रहे हो, क्लॉज 3 भी आएगा सर, रिसीव्स भी है। ओके, 2 एंड 3। तो ये मैंने रिमार्क्स में कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी डाले हुए, इसको तुम रीड कर सकते हो। एंड गिल्टी विल बी व्हाट, यस और राइट, एनी डाउट और कैन वी मूव अहेड। एक लास्ट क्वेश्चन और है, एक बार रीड कर लो। बोलो यस सर, गिल्टी रहेगा, ये गिल्टी होगा। बोल रहे हो सीए एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद एन एक्सपीरियंस्ड रजिस्टर्ड वैल्यूअर टू शेयर 20% ऑफ द प्रोफेशनल फीस फॉर ऑल केसेस ऑफ वैल्यूएशन रेफर्ड टू हिम बाय सीए। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर कैसे बनते हो तुम पता है क्या? तुमने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, कंपनी लॉ में सेक्शन 345 है, ऑल केसेस ऑफ वैल्यूएशन रेफर्ड टू हिम बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस। कंपनीज एक्ट में अगर तुमको बनना है तो वैसे बन सकते हो। बाकी अपनी IBC और ICAI भी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। सो बेस्ड ऑन दिस CA जो P है उसको 1,20,000 मिल रहा है A से। कैसे मिल रहा है? वो एग्रीमेंट में एंटर किया एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर के साथ और 20% ऑफ द प्रोफेशनल फीस जो जो मिलेगी उसको, जीजो वैल्यूएशन जो मैं रेफर करवाऊंगा ना उतने उतने वैल्यूएशन का 20% वो मेरे को दे देगा ला के। तो क्या रजिस्टर्ड वैल्यूअर कवर्ड है अपना एनी वेयर इन रेगुलेशन 53A1 में भी नहीं है, राइट? तो यहाँ पे गिल्टी हो जाएगा। अब आ जाओ क्लॉज 4 में। अगेन रजिस्टर्ड वैल्यूअर सर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ तो वो तो गिल्टी नहीं है ना, बट वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है तो वो सीए प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, वो अब वैल्यूअर बन चुका है, वो वैल्यूअर ही है। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर सीए भी हो सकता है, सीएस भी हो सकता है, सीडब्ल्यूए भी हो सकता है। तो अब वो वैल्यूअर है, अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर तो वो वैल्यूअर हो गया है और सीए इन प्रैक्टिस नहीं होगा वो। अच्छा, प्रैक्टिसिंग फर्म तुमको अलाउ नहीं करेगी। ठीक है सर। यस सर। सर अगर इसमें रेफरल फी नहीं होती, नॉर्मल रिसीट्स का परसेंटेज होता तो गिल्टी नहीं होता ना? नॉर्मल फी का परसेंटेज ही तो है यहाँ पे 20%। बट सर यहाँ पे तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है ना, मतलब रेफरल फी है। तो सर रेफरल फी की वजह से पॉकेट में थोड़ी ना देगा तुमको पैसा, 20% फीस का क्यों देगा वो? तुम रेफर नहीं करोगे ना कुछ करोगे, बैठे बैठे कैसे कमाओगे? सर यहाँ पे वो गिल्टी हो रहा है बिकॉज ऑफ रेफरल फी। हाँ, अगर रेफरल फी की जगह नॉर्मल अपना मान लो प्रॉफिट शेयर करता तो फिर गिल्टी थोड़ी होता। क्यों नहीं होता? तो भी हो जाता था नॉर्मल परसेंटेज बेसिस पे। बात तो तुम लॉजिक जाओ, धंधे में तुम क्यों शेयर करोगे बिना फुकट में? रेफर करने का ही तो कुछ तुम उसके पास लेके जा रहे हो प्रोफेशनल बिजनेस, या तुम कुछ प्रोफेशनल बिजनेस उससे ले रहे हो तो तुम उसको पैसा दोगे। तुम उसको कुछ प्रोफेशनल बिजनेस रेफर कर रहे हो तो तुम उससे पैसा लोगे, सामने वाला क्यों देगा वरना तुमको? सेकेंडली और दूसरा केस जो तुम बोल रहे हो तो वो भी तो प्रॉफिट शेयरिंग हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग इज कवर्ड ना ऊपर में, एक्सेप्ट और एग्री टू एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कर रहे हो, एग्री टू एक्सेप्ट। अच्छा, वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर उस लिस्ट में नहीं आता। हाँ, 53A में। अच्छा, ओके ओके सर। अच्छा, ये जो मूर्ति वाला पॉइंट है ना, मतलब यू कैन शेयर फीस विद एनी मेंबर ना, सो इट आई मीन इज इट रिक्वायर्ड दैट The member should be practicing chartered accountant. Member should be practicing chartered accountant only. मोदी in practice होना चाहिए वो generally, because non practicing chartered accountants के साथ तुम रेफर नहीं कर सकते हो. यहाँ पे दिया हुआ भी है not prohibited for member in practice. इंस्टीट्यूट कभी अगर फर्दर जब वो नीचे जब बोलते हैं ना तो उसमें भी वो फर्दर क्लैरिफाई करते हुए मेंबर इन प्रैक्टिस ही यूज किया है. ओके, मतलब मोटी इन प्रैक्टिस, राइट. ओके, एनीथिंग एल्स या आगे बढ़ूं? आ जाओ. क्लॉज 4, a CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he enters into partnership in or outside India. इंडिया में एंटर करो, बाहर करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. किसी के भी साथ करोगे तो गिल्टी हो जाओगे. किसके साथ करोगे तो गिल्टी नहीं होगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और सच अदर पर्सन हु इज मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इंक्लूडिंग रेसिडेंट वाला, ये वाला एक बार पॉइंट काट दो, एंड और द काउंसिल फॉर द पर्पस ऑफ परमिटिंग सच पार्टनरशिप. तो ये काउंसिल केस टू केस बेसिस में परमिट करेगी, ये भी उतना ध्यान देने की बात नहीं है. सेकंड पॉइंट उसको याद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, वो बहुत पुराना सेक्शन है, बहुत पुराने जमाने का 1990s का, अब इफेक्टिव नहीं रहा. एंड मेन आता है ये वाला पॉइंट कि एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के साथ पार्टनरशिप में एंटर करोगे तो चलेगा, या तो ऐसे पर्सन के साथ एंटर करो जो कि मेंबर है ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी हैविंग सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब. प्रिस्क्राइब कहा किया है सीए ने, अगेन प्रिस्क्राइब किया 53B में. बी अब रेगुलेशन 53B में ये सारे लोगों का प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने. इन लोगों के साथ तुम पार्टनरशिप में एंटर करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. मुझे फटाफट से देख के बताओ क्या डिफरेंस लग रहा है तुमको 53B में और 53A में? सर यहाँ पे MBA नहीं है. सबसे पहला डिफरेंस तो MBA नहीं है, आर्यमन करेक्ट? यस सर. तो MBA के साथ क्या तुम पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हो क्या? नो. तो एक की पॉइंट नोट कर सकते हो. और दूसरा सर लॉयर है, लॉयर नहीं है. लॉयर है कि नहीं है? लॉयर के साथ नहीं कर सकते. लॉयर नहीं दिख रहा है, तो एडवोकेट है, लॉयर नहीं है, राइट? लॉयर नहीं है. तो एडवोकेट के साथ कर सकते हो क्या? अब बात ये आती है. हाँ सर कर सकते हैं. एडवोकेट वाला तो मना करता है, बार काउंसिल है ना. बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाला नहीं है. इंजीनियरिंग क्या? अच्छा बैचलर ही नहीं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग. तो वो यही होता होगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, इंजीनियर फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी से ही तुम बी मिलेगा ना, बैचलर ऑफ इंजीनियर्स. मेन तो बी बैचलर इंजीनियर वगैरह में नहीं बोलेगा कुछ, वो तो तुमको अलाउ करेगा. एडवोकेट में आ जाओ एक बार. एडवोकेट में यहाँ एज पर रेगुलेशन 53B रेड विथ क्लॉज 4 इट इज अलाउड, बट FAQ इशू किया है ICAI ने. मे 22 अटेम्प्ट के पहले FAQ इशू किया था ICAI ने, जो कि अभी तक इंस्टीट्यूट ने डाला भी नहीं है, ना कभी RTP में ना MTP में. बट FAQ में साफ साफ मना किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए विद दी एडवोकेट्स. तो एडवोकेट्स के साथ तुम पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते हो. क्यों? क्योंकि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने साफ साफ बोल दिया है कि एडवोकेट्स कैन एंटर इनटू पार्टनरशिप विद एडवोकेट्स ओनली. एडवोकेट्स कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप विद एनीवन एल्स अदर देन एडवोकेट्स. समझ में आ रहा है? बार काउंसिल ने अलाउ नहीं किया, सही बोल रही है पूजा कोटक. तो बार काउंसिल अलाउ नहीं कर रहा तो तुम क्यों मर रहे हो उनके साथ पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए? जब वो अलाउ नहीं कर रही तो तुम पहली बात उनके बार काउंसिल का तो वायलेशन होगा ही होगा, एडवोकेट तो वायलेट करेगा ही करेगा. हम नहीं चाहते कि कोई दूसरी बॉडी अगर तुमको अलाउ कर रही है उनके साथ पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए तो तुम उनके साथ पार्टनरशिप में एंटर मत करो. सिंपल है, समझ में आ रहा है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एडवोकेट्स टू एंटर इनटू पार्टनरशिप विद एनी पर्सन अदर देन एडवोकेट्स. ये लिख सकते हो. FAQ बाय ICAI में दिया हुआ है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स CA in practice, sorry, prohibits advocates to enter into partnership with any person other than advocate. Hence ICAI ने भी FAQ में मना किया है, साफ साफ मना किया हुआ है ICAI ने। ICAI ने साफ लिखा है कि एडवोकेट के साथ एंटर नहीं करना है पार्टनरशिप। तो आंसर अब क्वेश्चन आता है तो तुमको दोनों चीज लिखनी है कि एज पर रेगुलेशन 53B रेड विथ क्लॉज 2 वहां तो अलाउड है, बट सिंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स देयरफॉर वी कांट एंटर। बट कैन अ सीए इन प्रैक्टिस एम्प्लॉय एन एडवोकेट इन हिज फर्म। एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, एडवोकेट वो पार्टनर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एडवोकेट रख सकते हो जो तुम्हारे एपिलेट अथॉरिटीज वगैरह में काम आए अपील्स एंड लिटिगेशंस के लिए। बट तुम उसके साथ पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते, उसको पार्टनर नहीं बना सकते। ठीक है क्या? यस, एनी डाउट? नो सर। नो सर जो बोलता है जितेंद्र उसी को आंसर देना पड़ता है, फटाफट से आंसर करते जाओ। सीएपी एंटर्स इनटू पार्टनरशिप विद एडवोकेट। यस सर, अलाउड है। अभी तो अपन ने पढ़ा अलाउड अंडर क्लॉज 4, बट यहाँ पे तुमको ये वाला पॉइंट लिखना है, इट इज नॉट अलाउड। अल्टीमेटली कंक्लूड करना है तुमको डिप्लोमेटिकली कि अलाउड अंडर क्लॉज 4 हाउएवर, ये वाली बात लिखनी है तुमको। यस यस सर। तो अलाउ क्यों बोल रहे हो? ठीक है क्या? अभी तो इतना रामायण भी अपन इसी में। पार्टनरशिप विद सीपीए, सीपीए बोले तो अपने वो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, सीपीए यूएस। या सीमा यूके, सीमा यूके कौन हो गया? मैनेजमेंट अकाउंटेंट। हाँ, जो कॉस्ट अकाउंटेंट अपने इंडिया में होते हैं ना, उन्हीं को यूएस में बोलते हैं सीएमए यूएस, और उन्हीं को यूके में बोलते हैं सीमा, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्वालिफाइड। तो इनके साथ तुम अगर पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, गिल्टी, नॉट अलाउड, गिल्टी, राइट। तो यहाँ पे ये जो लास्ट वाला पॉइंट था ना, अगर काउंसिल फॉर द पर्पस ऑफ परमिटिंग कोई पार्टनरशिप अगर अलाउ करती है तो यहाँ पे अलाउ कर सकती है अगर वो चाहे तो, बट वो यहाँ पे कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट ने बोला नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन वी विल अज्यूम व्हाट कि कुछ अलाउंस नहीं दिया गया है, एंड देयरफॉर यू विल बी हेल्ड जीपीएम पार्टनरशिप। इनके साथ एंटर करोगे तो गिल्टी हो जाओगे। सीमा हो, रेखा हो, जया, सुषमा हो, सबकी पार्टनरशिप विल हैपन विद ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ऑन। ठीक है? या फिर अपने जो ऊपर 53B वाले। पार्टनरशिप विद अंकल्स टेक्सटाइल बिजनेस विच डिड नॉट टुक ऑफ। तुमने क्या किया? अंकल के साथ पार्टनरशिप में एंटर कर लिया, बढ़िया कपड़े बेचेंगे टेक्सटाइल में मैन्युफैक्चर करके, लेकिन पता चला कि अंकल जी तो निकले खुद्दू और बिजनेस ही नहीं चला। बिजनेस नहीं चला, तुम्हारा 1 रुपए का सेल नहीं हुआ। तुमने ना आज तक कभी गए थे उनके बिजनेस में, ना कभी दुकान में बैठे हो, ना कुछ हुआ, और बिजनेस चला ही नहीं और तुमने पार्टनरशिप बंद कर दी। तो अब बताओ गिल्टी हो गए क्या? यस, गिल्टी। पार्टनरशिप में एंटर किया ही तो गिल्टी हो गया। क्लोज 11 में भी हो जाएंगे गिल्टी, दूसरा बिजनेस नहीं कर सकता। क्लोज 11 में भी हो जाएंगे क्योंकि यू आर एंगेजिंग इनटू एनी अदर ऑक्यूपेशन और बिजनेस नॉट इन्वॉल्वड इन द चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन। करेक्ट? ये वाला यहाँ का नहीं है, अपन क्लॉज 11 में देख लेंगे। क्लॉज 4 तक हो गया अपना। एनी डाउट अप टिल हियर? एक बार मैं बुक के बारे में अपडेट कर दूं। बुक वाज सपोज टू, जिन्होंने ऑर्डर कर दिया फिजिकल कॉपी, इट वाज सपोज टू शिप यस्टरडे, बट कल मेरे रिलेटिव की डेथ हो गई और मेरे यहाँ पे रायपुर में मतलब एवरीथिंग इज लुक्ड बाय माय फादर ओनली, जो शिपिंग के लिए वो देते हैं। तो घर में ही रह गई है बुक और उनको कहीं जाना पड़ा था, पापा मम्मी को दोनों को, तो वो नहीं हो पाई है शिप। कल भी आज रात तक आ पाएंगे, तो मे बी आज या कल तक तुम्हारी बुक्स शिप हो जाएगी। कल रेडी होके प्रिंट होके आ गई थी, बट कल ही जाना पड़ा था, तो कल भी शिप नहीं हो पाई, अभी तक शिप नहीं हुई है बुक। कल शिप हो जाएगी, कल से 6 to 7 डेज में आ जानी चाहिए तुम्हारे पास बुक। तब तक प्रोफेशनल एथिक्स चल सकता है क्योंकि ये एज सच सेम ही है। नो चेंजेस है एक्सेप्ट फॉर फ्यू इलस्ट्रेशन क्वेश्चन, यू क्वेश्चन जो ऐड किए वो मैंने ऐड कर दिए, वो अपन डिस्कस भी कर लेंगे, बाकी कोई चेंजेस इसमें खास नहीं है। तो ये हो गया बुक के बारे में जो एक अपडेट देना था, ये तुम्हारा कल हो जाएगा। हाँ सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा पूजा, ये मैं बता दूं वापस से, जिन जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप के एक बार सारे मैसेजेस देख लिया करो, उसमें मैंने सबसे पहला मैसेज यही डाला है कि हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी के लिए सेपरेट ऑर्डर देना पड़ेगा, सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो तुमको 2-3 डिटेल देनी पड़ेगी, आईसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, तो मैं तुमको क्या करवा दूंगा, सॉफ्ट कॉपी तुम्हारी शेयर करवा दूंगा। अगेन अ हम्बल रिक्वेस्ट नॉट टू शेयर दिस सॉफ्ट कॉपी विथ एनी वन, ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट है ही है। साथ में मैं तुम्हारी डिटेल्स जो है वो हर एक कॉपी में तुमको ऊपर में QR कोड, बार कोड मिलेगा, बार कोड जो है उसमें तुम्हारी डिटेल्स एम्बेडेड है, तो कोई अगर लीक होती भी है सॉफ्ट कॉपी तो आई विल गेट टू नो कहाँ से हो रही है। तो प्लीज़ एंश्योर, प्लीज़ डू नॉट लीक दिस सॉफ्ट कॉपी, बहुत मेहनत लगती है, ये पिछले 15-20 दिनों से जो इन्वॉल्व साथ में और भी लोग हैं तो उनकी मेहनत को एज सच वेस्ट नहीं होना है, ठीक है। तो बुक के लिए जो तुमको सॉफ्ट कॉपी चाहिए वो डिटेल मेरे को दे देना, डायरेक्टली मैसेज कर देना एंड आई विल फॉरवर्ड यू द सॉफ्ट कॉपी। कुछ टाइम पहले मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म अलाउड नहीं था एज सच, मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म के ही ऊपर ही तो ये चर्चा हो रही है अभी, ये सारे मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म के ऊपर ही हो रही है, क्लॉज 4 ये सारे मल्टी डिसिप्लिनरी हो गए, अगर तुम CMA के साथ CS वालों के साथ कर रहे हो तो ये अलाउड है। ये ऐसा कुछ टाइम पहले, मतलब तुम कौन से जमाने की बात कर रहे हो, CS CMA ये लोग के साथ तो पहले से अलाउड ही है एज फार एज आई एम अवेयर। मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म में ये सारे जो लोग अलाउड है उनके बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, जो लोग के साथ करना अलाउड नहीं है वो सब भी दिया हुआ है। बहुत पुराना एक FAQ भी है मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म के ऊपर, और अभी रिसेंटली अपडेट भी हुआ था, जो मैंने तुमको अपडेट बताया ना May 22 के पहले एडवोकेट के साथ एंटर नहीं करना है, वो रिसेंटली अभी मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म के साथ अपडेट भी हुआ था। यस चले और कुछ सर? हाँ जब तक हार्ड कॉपी नहीं आता है तब तक ये जो मार्किंग करवाते हैं इसका वो अलग से मिल जाएगा क्या हार्ड कॉपी आने के बाद? ये मार्किंग क्या? यस सर ये मैं दे सकता हूँ बट किसका करने इतना कुछ खास नहीं है, कैसे करोगे इसको, देखोगे कैसे, इसमें साथ साथ में लिख नहीं रहे हो क्या, जैसे यही तो लिखना है अभी तो हार्ड कॉपी नहीं है ना इसीलिए। ओके ठीक है फॉरवर्ड कर दूंगा मैं ये वाला चैप्टर। आ जाओ अब क्लॉज 5 में। क्लॉज 5 CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct अगर वो सिक्योर कर रहा है आइदर थ्रू द सर्विस ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉई ऑफ सच CA और या तो उसका वो पार्टनर नहीं है। कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो एम्प्लॉई चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर अपने तुम पार्टनर से अगर कोई बिजनेस सिक्योर कर रहे हो, अगर कोई एम्प्लॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट या पार्टनर से सिक्योर कर रहे हो कोई प्रोफेशनल बिजनेस तो तुम गिल्टी नहीं होगे, किसी और के थ्रू कर रहे हो तो गिल्टी हो जाओगे। एनी मीन्स विच आर नॉट ओपन टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी तुम प्रोफेशनल बिजनेस सिक्योर कर रहे हो बाय एनी मीन्स विच इज नॉट ओपन टू CA फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन एम्प्लॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट और पार्टनर, तुम्हारा कोई पार्टनर है उसके थ्रू। इसका प्रोविजो देखो तो क्या बोल रहा है, कोई समझाओ मेरे को एक बार फटाक से। सर क्लॉज 2, 3 और 4 में जो 53 और 53B का जो रेफरेंस था उनमें जो लोग मेंशन थे उनके साथ में मतलब कोई भी एग्रीमेंट ऐसा एंटर कर सकते हैं अपने, ये क्लॉज 5 उसको प्रोहिबिट नहीं करता, एंटर कर सकते हो कि सिक्योर कर सकते हो एग्रीमेंट, तो एंटर वही पे अलाउड है 2, 3, 4 में सिक्योर कर सकते हैं मतलब, यस मतलब उनके साथ मतलब ये वर्क सिक्योर कर सकते हो उसे सर। हां तो क्लॉज 3 में मान लो तुमने रिसीव कर रहे हो कुछ पैसा या क्लॉज 2 में तुम कुछ पैसा पे कर रहे हो और उसके बिहाफ में तुम कुछ प्रोफेशनल बिजनेस रिसीव कर रहे हो वहाँ से और वो अलाउड है, आइदर यू आर डूइंग इट फ्रॉम एडवोकेट या लॉयर से रिसीव कर रहे हो कुछ और तुम यस सर राइट उसके थ्रू सिक्योर कर रहे हो और तुम उसको कुछ पेमेंट कर रहे हो, तो सिंस दैट वाज अलाउड अंडर क्लॉज 2 देयरफॉर दैट रिस्ट्रिक्शन will not be applicable here in clause 5. मतलब यहाँ पे clause 5 does not override clause 2. Clause 5 does not override 2, 3, 4. कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो समझ में आ रहा है क्या? वहाँ पे अगर अलाउड है तो अलाउड है, टेंशन मत लो, क्लॉज 5 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी. क्लॉज 5 तक अपना हो गया है, क्लॉज 5 तक अपना हो गया है, क्लॉज 5 में अपना 9:30 हो गया है. अब अपन चालू करेंगे क्लॉज 6. इसमें करीब करीब 1 घंटा लग जाएगा विदाउट वेबसाइट के रेगुलेशन के कवर किए. तो एज आई वॉज सेइंग, सैटरडे संडे अपन लंबा ले सकते हैं क्या थोड़ा? पहले तो ये बता दो कौन कौन कंफर्टेबल नहीं है. 9:30 तो हो गया अपना टाइम. सर सैटरडे मतलब लंबा मतलब कितना भी सर? क्योंकि लंबा नहीं भाई, 10:30 तक. नहीं सर अभी आज रहने दीजिए, ऑफिस रहेगा. सर संडे कर लीजिए. हाँ सर संडे को कर सकते हो आप, सुबह भी शाम भी. हाँ सर सुबह और शाम संडे को कर 3 घंटे सुबह 3 घंटे. छोड़ दो सर का पर्सनल. ठीक है, संडे का फिर अपन कल सुबह की क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे. अभी इफ यू वांट तो हाफ आवर बैठ सकते हैं, नहीं तो फिर कल लंबा बैठ. नहीं सर आज रहने दीजिए. नहीं सर अभी ऑफिस जाना है सर. बैकअप मिल सकता है बट ठीक है. एनीवे आज फर्स्ट डे है तो मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूँ, अगले सैटरडे से नहीं सुनूंगा. संडे की क्लास कर लीजिए ना सर. ठीक है, कल देखते हैं अपन फिर. तो एनीथिंग रिलेटेड टू एनी अदर थिंग यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी अपार्ट फ्रॉम दिस. इसके अलावा बाकी मोस्टली डाउट्स आई ट्राई टू टेक फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली. जहाँ स्टार्ट किए थे अपन बैच वहीं पे आई ट्राई, जितने डाउट्स मेरे को आ रहे थे कॉल पे वो एक बार मैं डिस्कस कर लूँ. एंड आई डिड नॉट ट्राई टू वेस्ट एनी मोर टाइम ऑन डिस्कसिंग न्यू सिलेबस, बाकी सब्जेक्ट में क्या चेंजेस है एंड तुम्हारे अदर सब्जेक्ट्स में क्या क्या न्यू एडिशन है. इसके लिए आई एम प्लानिंग कल रात को संडे को एक सेशन में लूँ जिसमें इफ़ यू वांट यू कैन अटेंड, वेयर वी विल स्ट्रेटेजाइज हाउ वी कैन गो अबाउट फॉर दिस मे 24 अटैम्प्ट. इसके लिए अपन एक अलग से सेशन कंडक्ट कर लेंगे. लेट्स नॉट ट्राई टू इंडल्ज इन हियर. यहाँ पे अपन आगे अपन कंटिन्यू करेंगे क्लॉज 6 से कल. प्लीज़ 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 क्लॉज 5 तक अभी जितना अपन ने पढ़ा उसको रिवाइज करके आ जाना. एंड तुम्हारा ये जो दो अपन ने क्लॉज याद किए ना, क्लॉज 1 से लेकर 12 तक और क्लॉज 1 से लेकर 10 तक, शेड्यूल 1 और 2 का पार्ट 1, उसके लिए तुमको अगर फिर से रेफर करना है तो मैं PDF तो दे ही दूंगा. वो PDF से तुम यू कैन इजीली रिकॉल. बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिवाइज एंड रिकॉल थ्रू दैट क्लॉज नंबर, बिकॉज क्लॉज नंबर याद आना जरूरी है. यू शुड नॉट स्पेंड टाइम इन एग्जामिनेशन ऑल रिमेम्बरिंग कि ये क्लॉज का लैंग्वेज तो याद है बट क्लॉज नंबर तो गलत कोट नहीं कर रहा हूँ मैं, या गलत कोट तो नहीं कर रही हूँ मैं. तो वो इंपॉर्टेंट है, क्लॉज नंबर तुमको याद रहना. उसका 1 मार्क है मैंने बताया, तो वो उसको रिवाइज कर लेना. वो PDF में फॉरवर्ड कर दूंगा. एंड इफ एनी वन वॉन्ट्स आई विल ऑल्सो फॉरवर्ड 1 वीडियो विच आई मेड 4-5 ईयर्स बैक. 4 साल पुराना वीडियो है. दैट वॉज माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब. तो वो थोड़ा अजीब लग सकता है तुम लोग को, तो प्लीज़ बियर विद डैट. बट उसमें थ्रू डैट ऑल्सो यू कैन रिकॉल. ये मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा, ये एक बार देख के आ जाना. प्लस क्लॉज 5 तक रिवाइज करके आना है तुमको. एंड कल अपन क्लॉज 6 से स्टार्ट करेंगे. बाकी बुक्स के बारे में मैंने तुमको बता दिया. बुक्स शिप हो जाएगी, आज हो जानी चाहिए, नहीं तो कल तुम्हारी पक्का हो जाएगी. अच्छा कल संडे हो जाएगा तो फिर परसों होगा. आज मैं कोशिश करता हूँ आज हो जाए. ठीक है, कैन यू प्लीज मेक अ स्मॉल ऑडियो बाइट ऑन दिस मेमोरी ट्रिक्स फॉर ईज ऑफ रिविजन. यस दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि तुमको अगर एक स्मॉल ऑडियो बाइट शो भी था, दैट्स व्हाट यू वर सेइंग ना. सो आई विल शेयर 1 वीडियो ऑन द ग्रुप वेयर इन द एंड ना, एंड में वीडियो में आई हैव रिकैपिचुलेटेड व्हाटएवर वी डिस्कस्ड इन दैट वीडियो. 10 मिनट्स का एक शॉर्ट वीडियो है फॉर शेड्यूल 1 पार्ट 1 के लिए, एंड 10 मिनट्स का अनदर शॉर्ट वीडियो फॉर शेड्यूल 2 पार्ट 1 के लिए, हाउ वी रिमेंबर द क्लॉज नंबर. तो इफ यू वांट टू रिकॉल दैट ट्रिक तो तुम उस वीडियो के थ्रू भी कर सकते हो. जस्ट गो टू द एंड ऑफ द वीडियो और एक बार वीडियो तुमको 2 की स्पीड में देखना तो 2 की स्पीड में भी देख सकते हो. कंपाइलर एंड MCQ बुक के लिए मैं बता दूं, इट्स नॉट येट रेडी एज ऑफ नाउ, क्योंकि मैंने न्यू क्वेश्चन सारे के सारे ऐड कर दिए कंपाइलर में एंड MCQ बुक में बचे ऐड करने के लिए. बट कंपाइलर थोड़ी फॉर्मेटिंग करने के लिए बची है। एज सच जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको थोड़े से हटाने हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉर्टिंग करनी है, कुछ चैप्टर्स को करना है। सो दैट इज पेंडिंग बाय मी एंड एमसीक्यू बुक इज आल्सो पेंडिंग बाय मी, दैट शुड गेट ओवर बाय अ मंथ और सो। टिल देन वी आर ऑलरेडी कवरिंग व्हाट आवर सिलेबस। तो एक बार इसी को रिवाइज करते करते साथ में अपने क्वेश्चंस तो हो ही रहे, तुमको दिख ही रहा होगा, क्वेश्चंस अपन कर ही रहे कवर, डोंट वरी। एंड टेस्ट भी होगा, उसमें भी तुम्हारे और क्वेश्चंस, तुमको रिटन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो डोंट वरी अबाउट कंपाइलर एंड एमसीक्यू फॉर नाउ, आई विल फॉरवर्ड टू यू वंस आई एम रेडी विद इट। ठीक है, एनीथिंग एल्स यू कैन कांटेक्ट ओवर व्हाट्सएप और टेलीग्राम, व्हाटएवर यू फाइंड। प्लीज प्रोवाइड दोस डिटेल इफ यू वांट द सॉफ्ट कॉपी, एज हार्ड कॉपी कैन बी ऑल्सो बी रिकमेंडेड। हार्ड कॉपी है अगर रिटेंशन पर्पस के लिए अगर बोलो तो, बट सॉफ्ट कॉपी के लिए डिटेल्स मेरे को फॉरवर्ड कर देना। एंड हाँ, एक और चीज़, ईमेल प्रोवाइड कर देना सब लोग फॉर बैकअप्स, तो तुम्हारा बैकअप आएगा तुम्हारे ईमेल। ठीक है चलो सर, वी विल सी यू टुमारो मॉर्निंग 7 AM ओनली शार्प। विल स्टार्ट विथ क्लास 6 एंड ट्राई टू कवर क्लास 6 and 7 टुमारो। मुश्किल है थोड़ा, बट लेट्स ट्राई कि कल एक स्ट्रेच करके कर ले। कूल, एनीथिंग विद द इशू ऑफ स्पीड, या तुमको लग रहा है कि बहुत फास्ट जा रहा है या बहुत स्लो जा रहा है, तो कुछ भी है तो भी एक बार मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है चलो, बाय बाय। यस बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, बाय सर। Bye, sir.